कभी ना छोड़ेगा, कभी ना ठुकराएगा, मेरा है तू, मेरा है तू, मेरा है तू, मेरा है। नदियां कभी डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। नदियां मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। नदियां मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरी आज, और आने वाला कल वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। खुदावन धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, खुदावन सच में, खुदावन हालेलुया, पिता परमेश्वर, खुदा इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, खुदा आप हमारे, हम आपके पिता परमेश्वर, आपने इब्राहिम को आशीष दिए पिता परमेश्वर, पीढ़ी दर पीढ़ी खुदावन, वो सब खुदावन आपने, वो प्रतिज्ञा का संतान हमें बनाया है हमारे खुदा, हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हमें ले पाले पुत्र पुत्री होने का अनुभव देते हैं खुदा, हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर हम आप में आनंदित रहे हमेशा खुदा, धन्यवाद। आगे के समय आपके हाथों में सौंपते यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु जी का धन्यवाद देते हैं सारी में प्रभु को बोले, सुंदर आराधना के लिए, दिल को छूने वाली आराधना के लिए खुदा का धन्यवाद देते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, एक गवाही है सबको शेयर करेंगे, तो गवाही देने से पहले मैं कुछ बातों को बोलूंगी ताकि आप उस गवाही को अच्छे से सुनने पाओ और वो जो आत्मिक बात है उन बातों को पकड़ने पाओ, आमीन। ठीक है, ये मत सोचना कि गवाही अगर हम दे रहे हैं तो हम कुछ ऐसे छह मसीह की सबको प्रभु बहुत आशीष दे, गॉड ब्लेस यू सो मच। एक सेकंड, हम एक काम करते पहले छोटा सा, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने हमें इकट्ठे होने का अनुग्रह दिया फिर से, थैंक यू फॉर दिस, सारी महिमा प्रभु को मिले, गॉड ब्लेस यू ऑल। एक सेकंड, चलो स्टार्ट करते हैं। मेन चीज ये है, सबसे पहले हम प्रार्थना में चलेंगे एक्सीडेंट्स के लिए, एक्सीडेंट्स के लिए प्रेयर्स में चलेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे गवाही है, गवाही भी बीच में हम शेयर करते हैं, जैसा भी होता है, और आप लोगों की भी कोई गवाही है तो आप वो गवाहियां भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एक्सीडेंट्स के लिए प्रेयर्स में चलेंगे, एक मन एक आत्मा होके, या कुछ प्रार्थना के विषय, चलो एक काम करते हैं, आप लोगों को देखते हैं, हम एक मन एक आत्मा की शुरू करते हैं प्रार्थना। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम एक्सीडेंट के लिए,
और बीमारों के लिए, और कुछ डिमोनिक स्पिरिट्स जो स्पिरिचुअल रियल में काम करने की कोशिश कर रही थी। एक सेकेंड, कैंसिल देता हूँ। आप कर देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ प्रेयर टॉपिक्स दे रहा हूँ ताकि हम लोग एक मन एक आत्मा की इस बात के लिए प्रेयर करें। ध्यान से सुनना, सभी लोग अपने मुंह को खोलना। पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत है। सब कुछ आपके कंट्रोल में, और खुदावन तेरे कोल में हम सभी को छिपाते, सील करते, ढांपते, कवर करते, यीशु के नाम से मानते, आमेन। तो प्रार्थना में चलेंगे। अपराजिता बहन, अमन सिस्टर, जगदीश भाई, राजकुमार और मलिनी अरुण और सोनिया कश्यप, सोनल गायक, आप लोगों को प्रेयर करनी है एक्सीडेंट्स के लिए, कि कोई एक्सीडेंट ना होने पाए, कोई ब्रेक फेल ना होने पाए, कोई दुष्ट आत्माएं किसी के ऊपर अटैक ना करें, मार काट, लड़ाई दंगा, या जान पूछ कर छीना झपटी, या किसी प्रकार से कोई भी एक्सीडेंट ना होने पाए। चाहे इलेक्ट्रिसिटी का था, चाहे बिजली लगने से कोई एक्सीडेंट था, या कोई कोई भी प्रकार का एक्सीडेंट था, किसी के साथ भी कोई एक्सीडेंट ना होने पाए। और दूसरा, वैशाली, निशा कुमारी, अंजू, जगवंती, संजना, निशा, आप लोगों को प्रेयर करनी है डेथ स्पिरिट के लिए। डेथ स्पिरिट मतलब मौत की आत्मा, जो लोगों को मौत के घाट उतारती है, चाहे बीमारी के द्वारा, चाहे रोग के द्वारा, चाहे किसी भी प्रकार से। आपको उन दुष्ट आत्माओं को डांटना है, कुड़कना है, जलाना है, आज्ञा देनी है कि वो निकल जाएं, लोगों की जिंदगी को छोड़े, विश्वासी को छोड़े, जो हॉस्पिटल्स में उनको छोड़े। ठीक है, अपने आप को लहू में ढांप कर हमें प्रार्थना करनी है। अगला, अर्पित भाई, सरिता, सुजाता, कुमकुम और परमेश्वर की बेटी भारती, आप लोगों को दुआ करनी है। जो आत्मिक माहौल में दुष्ट आत्माएं विश्वासियों की जिंदगी में काम कर रही थी, बहुत सी चीजें लाइफ में हो रही हैं विश्वासियों के साथ, उनको पता नहीं कि ये क्यों हो रही है, किस तरीके से हो रही है, कैसे हो रही है, लेकिन उन हर एक बात के पीछे ना, जो उनके नुकसान के लिए था, ज्यादातर कारण क्या होता है, दुष्ट आत्मा का, समझना। दुष्ट आत्मा का कारण काम होता है कि जिसकी वजह से, जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण, यीशु मसीह ने पतरस की सास को चंगा किया था। क्यों, कैसे चंगा किया था? उसको बुखार था। यीशु मसीह ने बुखार की दुष्ट आत्मा को डांटा था। बुखार कोई डांटने की चीज नहीं है, लेकिन फिर भी इस बात से पता चलता है, बुखार देने वाली एक दुष्ट आत्मा है, मतलब रोग देने वाली एक दुष्ट आत्मा है, जिसका असर शारीरिक रूप में पड़ रहा था, जिसकी वजह से वो खाट पे पड़ी हुई थी, जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही थी, जिसकी वजह से फैमिली का माहौल बिगड़ा पड़ा था, विरोध, कुटकुटाहट फैली पड़ी थी, कि इसकी तबीयत ऐसी खराब है, ये काम नहीं कर पा रही, सो मेनी थिंग्स। बात कहाँ की है, कहाँ से कहाँ खत्म होती है, घर के माहौल बिगड़ जाते हैं। तो कुछ दुष्ट आत्माएं जो आत्मिक माहौल में काम करती हैं, लेकिन उनका असर शारीरिक रूप में दिखाई देता था, चाहे वो फैमिली को लेकर, चाहे परिवार में, चाहे हस्बैंड वाइफ को लेकर, चाहे डॉक्यूमेंट्स में लेकर, चाहे जिम्मेदारी, चाहे सेवकाई को लेकर, चाहे फाइनेंस को लेकर, सब लाइफ में घटी है बीमारी की गंदी दुष्ट आत्मा, कर्जे की गंदी दुष्ट आत्मा, नुकसान की दुष्ट आत्मा, ये आत्मिक माहौल में काम करती है, इनके लिए प्रेयर करनी है। ठीक है, अर्पित भाई, सरिता, सुजाता, कुमकुम देवी, परमेश्वर की बेटी और भारती। ठीक है, आपको इन चीजों के लिए प्रेरित करनी है। अच्छा, हाँ, मोनिका, अश्रिता बहन, मनीषा, बालगोहेर और अंश और मनीषा, मनीषा मनीषा मनीष छग सिस्टर, आशा, पूजा, प्रगति और जयनाथ। जो पॉसिबल है वीडियोस को भी ऑन करने की हाँ कोशिश प्लीज, जो प्रार्थना रिक्वेस्ट है छोटी सी, जो वीडियो चालू कर सकते हो चालू करने की कोशिश करें, ताकि और अच्छे तरीके से पता चल सके कि कौन प्रार्थना कर पाए ना कर पाए, और भी बहुत सी चीजें पता चल सकती है ना। तो जिन लोगों के नाम अभी लिए हैं, जयनाथ तक, आप लोगों को दुआ करनी है। जिन लोगों की कोई ब्लेसिंग रुकी हुई थी, बरकतें रुकी हुई थी, प्रार्थनाओं के उत्तर रुके हुए थे, गवाहियां खराब हो गई थी, या लोगों ने बहुत दुआएं की है, उनको अब तक अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाया, आप इन बातों के लिए दुआ करें। सभी दूसरे की खेती सींचनी है। ठीक है, प्रीति, मोहित, मनीषा, सुमित्रा, ममता, अजय, जीवत, पूजा, सूरज, जिनके नाम नहीं है क्या वो लोग जग भी रहे हैं, जिनकी वीडियोस ऑफ है वो जग रहे हैं, कमेंट्स करके जरूर से हमें बताएं। कमेंट करके हाथ वाले बटन पे क्लिक करके बताएं, ताकि देखो हमारा भी टाइम वेस्ट ना हो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो जिन लोगों के नाम अभी लास्ट में नहीं है, इन लोगों को दुआ करनी है ऑनलाइन मिनिस्ट्री के लिए, सेवकाइयों के लिए, जो संसार में सेवकाइयां चल रही हैं, जो प्रभु की ओर से हैं, जो भरमाने वाली सेवकाई उनके लिए नहीं, जो प्रभु की ओर से हैं, उन सेवकाइयों में परमेश्वर अपनी जागृति को लेकर आए, आत्मा को उड़ेले, अपने दानों वरदानों को उड़ेले, और लोगों की जिंदगी में बड़े बड़े काम हो, लोग छुटकारे पाए और लोगों का विश्वास प्रभु में बढ़े। ठीक है, और इसके साथ एक ये दुआ भी उठाना, जो लोग भटक गए थे, जो लोग गलत हाथ में चले गए थे, जो लोग बैकस्लाइड हो गए थे,
या जो लोग इन चीजों के लिए, चलो हम करेंगे ठीक है, जो लोग भटक गए थे या गलत शिक्षाओं में चले गए थे उनके लिए हम लोग करेंगे। चलो एक मणि का आत्मा की हम दुआ में चलते हैं। 12:11 हो रहे हैं, 12:08 पर हम लोग आमीन कहेंगे। मुंह रुकना नहीं चाहिए। हाँ 12:18 पर हम लोग आमीन कहेंगे ठीक है, 18 पर हम लोग आमीन कहेंगे। मुंह रुकना नहीं चाहिए किसी का, जो प्रार्थना आपने कर दी है उसके अलावा कोई और भी प्रेयर कर सकते हो आप ठीक है। जैसे कि अपने माइकों को चालू करके आप दुआएं कर सकते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। अब अच्छा तक कर लगा टका टका रख तक कर बेरे 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 कैसे के तक कर बेरे 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 धन्यवाद। आमीन 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 रिकॉर्ड। अब हम सभी लोग अपने लिए प्रार्थना में चलेंगे। पूरे 5 मिनट हम लोग अपने लिए पर्सनली लेंगे। अपने मुंह को खोलना भैया, थोड़ी सी विनती आप लोगों से, अपने लिए तो कम से कम छुटकारे के लिए मुंह खोलो। अंगीकार करो एक दूसरे की शकलें ना ताको, और जो लोग कर रहे हैं खुदा उनको और शब्द दे और बढ़ाए, लेकिन जो नहीं कर रहे वो मुंह खोले ठीक है। अपने लिए मुंह खोले, घोषणाएं करें, भविष्यवाणी करें, अपने लिए तो कंजूसी मत करना ठीक है। तो 5 मिनट आपके और मेरे पास है, अपने जो भी दुआ करना चाहते हैं। कल मैं कल का पता नहीं परसों की बात है, बाहर टेबल के बगल में ना हमारे शीशा टंगा है छोटा सा, उस शीशे को लाके चेयर पे रख के फिर मैं प्रेयर कर रहा था शीशे में अपने आप को देखकर, समझ रहे। ये इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि हमारे पास जो भी 5 मिनट है 10 मिनट है हर टाइम हमारे लिए एक कीमती की समान, उसको बहुत इंपॉर्टेंट समझे, और उसमें हम जितना अपने लिए घोषणाएं कर सके, भविष्यवाणी कर सके, प्रेयर कर सके, वो हमारे लिए उतना बेस्ट है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम भी शीशा उतार के तुम भी आगे पीछे लग जाओ जैसे भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो अच्छी बात है तुम्हारे लिए, तुम भविष्यवाणी करोगे तुम्हारी उन्नतियां होंगी। क्योंकि जब आप इस तरीके से दुआ करोगे ना तो ऐसा लगेगा सच में तुम अपने लिए तुम अपने आप को देखकर भविष्यवाणी कर रहे हो। तुम करना चाहोगे एक प्रार्थना तुम्हारे मुंह से निकलेगी 10 भविष्यवाणियां, मैं सच बता रहा हूँ। जब कुछ एक दो 3 दिन पहले की बात है, जब मैं शीशे के सामने गया ना, मैं हैरान हो गया, इतनी सामर्थ्य रूप से प्रार्थना हुई थी, और बहुत स्ट्रांगली बहुत अद्भुत तरीके से मस्से से भरकर भविष्यवाणियां गहराई में जाकर आत्मिकता में हर बहुत सारे एरिया के अंदर इतने सामर्थिक शब्द निकल निकल कर प्रेयर हुई थी, मैं सच बता रहा हूँ। और जब शीशे में खड़े होकर जब प्रेयर कर रहा था उसका इफेक्ट अलग ही था, मैं सच बता रहा हूँ। आप अनुभव लेना कभी, अगला पिछला सब भूल जाओगे, इधर बताएं बाएं का सब भूल जाओगे, जब आप दृढ़ता से दुआ करने पे आओगे ना, देखना कैसे कैसे शब्द आप अपने लिए बोल पड़े होगे, बोल सकोगे, और बहुत सारी प्रोफेसीज कर पाओगे, बहुत सारी प्रतिज्ञाओं को बोल पाओगे, बहुत सारी एरिया में तुम प्रभु से इच्छा रख पाओगे, बातें रख पाओगे, कुछ बहुत सी चीजों में तुम युद्ध कर पाओगे आत्मिक रूप में, कैसे पता नहीं, तुम हैरान हो जाओगे है ना। तो अपने लिए कंजूसी मत करें। अब ये 5 मिनट का टाइम है, 12:20 हो रहा है, 12:25 पर हम लोगों को आमीन कहना है ठीक है। सभी लोग अपने लिए प्रार्थना करेंगे, खासकर अपने अंदर की अमली जीवन की कमजोरियों को निकालने के लिए, जिसके कारण बार बार गिर रहे थे, बहुत कुछ खोया था, कुछ खोना नहीं चाहते, अब गिरना नहीं चाहते। कमियों को, खमीरों को, बुराइयों को, गंदगी को अपने अंदर से निकालने के लिए हम दुआ करेंगे। और दूसरा जिस चीज की हमें जरूरत है उसको खोलो, ब्लेस करो, अपने आप को डिलीवर करो, आशीषित करो, आजाद करो, अपने आप को छुड़ाओ ठीक है। यशाया की, यशाया बावन अध्याय की पहली आयत में लिखा है, अपने गले के बंधन खोल दे और अपना बल धारण कर, है ना। तो यही चीज अभी आपको और मुझे अपने हिस्से का काम करना है। 12:21 हो रहे हैं, 12:26 पर हम लोगों को आमीन कहना है। सभी लोग अपना माइक चालू करें, प्रार्थना करना शुरू करें अपने लिए पर्सनली। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। अब शायद आप अपने लिए भी इससे आमेन 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 आत्मा को शून्य कर दे। जय मसीह की सभी को, प्रभु सभी को आशीष दे। जो आप लोगों ने
हमारी मदद सहायता करी प्रेयर्स करने में आप लोगों ने, मान लिया दुआएं की। और एक नए तरीके से खुदावन आप लोगों की खेती को आज से सीखेगा, यीशु के नाम आमेन। से ऐसा होगा। हमें और ये गवाही आप लोगों की जिंदगी में, आपको उठने के लिए, आपको बढ़ने के लिए, आपको स्ट्रांग होने के लिए, आपको मजबूत होने के लिए, और प्रभु के सम्मुख खड़ा होने के लिए, और आपके विश्वास में एक नया काम होने के लिए, मजबूत होने के लिए ये गवाही काम करेगी। सुनना ठीक है। वही सब लोग सेवा का ही कर रहे हैं, सब लोग सेवा हाँ, करना चाहते हैं। एक सेवक की जिंदगी में, जिनके बारे में हमने पढ़ा है, जिनके बारे में हमने नहीं भी पढ़ा, जिनके अनुभव हमने देखे हैं, खुद भी लिए हैं, दूसरों की गवाहियां भी हमने सुनी हैं, वो ये सब, ये चीज बहुतों की जिंदगी में हुई है। हालेलुया। तो ये हमारे बताने का फर्ज, मेन चीज समझना, ये एक गवाही इसलिए हम, हमें शेयर करनी है, और हमें शेयर करनी भी चाहिए ताकि हमारा विश्वास बढ़े, ताकि हम जाने इस बात को कि एक अगुए का जीवन कैसे होता है, एक प्रभु के दास का जीवन कैसे होता है। क्योंकि जब क्योंकि आप तो हम लोग मांगते हैं प्रभु आत्मा के फलों से भर, आत्मा के दान वरदानों से भर, हमें परफेक्ट प्रभु का अनुग्रह कि हम डेली बेसिस पे फास्ट करते हैं, सुबह 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 कराते हैं, जल्दी उठाता है है ना, परमेश्वर। कितने लोग हैं ऐसे जो मांगते हैं, प्रभु मुझे वचनों में बढ़ा, आत्मा में बढ़ा, प्रेम में बढ़ा, नम्रता में बढ़ा, आशीषों में बढ़ा, आज्ञा परफेक्शन में पालन में बढ़ा, पवित्रता में बढ़ा, है ना। तो उन सब चीजों के दौरान जब आप मांगते हो ना, तो कुछ घटनाएं घटना शुरू हो जाती हैं। मान लो मैंने मांगा प्रभु मुझे सहने की शक्ति दे, सहने की शक्ति दे, सहने का वरदान दे, प्रभु ऐसी सिचुएशन को लेकर आएगा, अब सह के दिखाओ। अब आप कहा, हम सोचते हैं भाई गुप्त कमरे में हम भाई मतलब आराम से बैठ जाएं और हम बोले सहने की शक्ति दे, तो बिना मतलब कहते हैं ना, बिना उसको चलाए हुए, क्या बोलते हैं, मल चक्की चक्की चलाए हुए हम घी भी निकालते, तो मलाई को उससे करना पड़ता है ना, चलाना पड़ता है, तब वो मक्खन और पानी अलग होता है, तब जाके गैस होता है, तभी तो घी निकलता है, तभी तो स्वाद से खाते हैं, है ना। जब हम कुछ भी दान वरदान मांग रहे ना, ये मेरे तो अभी नहीं, शादी के पहले से ही था, तो कोई भी दान वरदान मांग रही हूँ, हमें सैनिक शक्ति दे, नीति नम्रता का वरदान दे, ये दे वो दे, उसके बाद ना परमेश्वर टेस्टिंग करता था, हाँ, है ना। टेस्टिंग हर किसी की हुई। पवित्र शास्त्र में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी टेस्टिंग नहीं हुई, कोई भी नहीं है। सकती है वो भी एक इंसान है ना, ये नहीं वो इतने बड़े अगु हो गए। अच्छा ऐसी टेस्टिंग भी होती है, ऐसा भी होता है, अब वो भी भाई इंसान है। पौसे लग अंकुर जी की गवाही सुनो तो आप मिल जाओगे। बड़े बड़े परमेश्वर के दासों की गवाही सुनोगे, विश्वासियों की गवाही सुनोगे, और परमेश्वर के पवित्र प्रॉफिट्स की, इवेंजलिस्ट की गवाही सुनोगे, ऐसे सेवकों की गवाहियां सुनोगे जिनको तो घरों से निकाल दिया गया था। जैसे मैंने गवाही उस दिन दी थी ना प्रभु की दया से, प्रॉफिट बर्नार्ड जी की, है ना, टेस्टिंग से होकर गुजरे हैं, तभी वो आज 12 करोड़ रुपए, पता नहीं 12 करोड़ रुपए हर साल वो देते हैं। वो घटी से होकर गुजरे हैं, है ना, 12 करोड़ रुपए जो भी उस भाई ने बताया था। तो हमें, हर किसी की जिंदगी में परीक्षा आती है। अगर आपने बोला है परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, तो परमेश्वर आपके सामने ऐसी परिस्थितियों को लेकर आएगा, कठिनाइयों को लेकर आएगा, ताकि आप उसको बुद्धि से उन चीजों को सॉल्व कर सको। अगर आप बोल रहे प्रभु मुझे समझ दे, ज्ञान दे, तो आपके सामने कठिनाइयों को, ऐसी परिस्थिति को लेकर आएगा जो उलझी हुई थी, बेकार थी, टेढ़ी मेढ़ी थी, समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या। और आप सोच रहे हो प्रभु मैंने तो तेरे से बुद्धि मांगी थी, और प्रभु भी आपसे इस विषय में समझाना चाहता, तूने बुद्धि मांगी इसलिए मैंने तेरे को समस्या दे दी ताकि तू उसका हल करे। टेस्टिंग में तभी समझ रहे दिखती कि अगर इंसान मतलब बिल्कुल मतलब आराधना प्रार्थना में लौलीन हो रखा है, सब कुछ लग रहा है बिल्कुल अच्छा। बढ़िया हो चुका है ना, आराधना प्रार्थना कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, फास्टिंग रख रहा है, बिल्कुल हार्ट बीट नहीं, मेरा आनंद आनंद आनंद, प्रभु फिर भी समस्या, फिर भी समस्या, ऐसे समय गवाया से चोर है। और एक चीज और है, ऐसे ऐसे टेस्ट मनीष को बताया हमने, सुना है कि इंसान कह रहा है इतना बो रहा हूँ, इतना बो रहा हूँ, इतना बो रहा हूँ, बोने के बाद भी घटी क्यों, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा आज, है ना, यकीन होगा कि हम तो इतना बो रहे हैं, इतना कर रहे हैं, रिस्पॉन्स तो देते हैं सिस्टर, सब कुछ तो कर रहे हैं, धन्यवाद ही बेटे देते, फिर भी इतनी घटी क्यों थी, अभी गवाही आपको आशीष देगी। और एक चीज और है, कई बार गुंजन जो बता रही है प्रभु की दासी, ये सही कह रही है, क्योंकि बहुत सी चीज हमारी जिंदगी के अनुभव है, समझ रहे हो, बहुत सारी चीज हमारी खुद की जिंदगी के अनुभव है, और हमने खुदा के बड़े हाथ को भी देखा है, भूखे भी रहे हैं, प्यासे भी रहे हैं, कहने का मतलब, क्योंकि कई बार पानी चला गया है, प्रभु क्या करे, एक एक बोतल की कीमत परमेश्वर ने हमें समझाई थी, आपको बताइए कि बहुत सारी गवाहियां हमने, मेरी प्रेगनेंसी की गवाही सब जानते हैं, खाने की वाली मेरी गवाही आपने सुनी मेरी होगी, है सबने सुनी है, मेरी टेस्टिंग ना। टाइम, हमारे टेस्टिंग टाइम के, और उस समय परमेश्वर जब टेस्टिंग में हो गए ना, आपको लग रहा है बिल्कुल सही हो, सब कुछ कर रही हूँ, बिल्कुल तो नहीं, फुल आनंद है,
अगर लग रहा है पर मुझे फिर भी तो साइलेंट किया समझ जाना, साइलेंट मैं पर यही बोलने वाला था अभी। दो तरह से प्रभु साइलेंट होता है, या तो गलत काम करो तब साइलेंट होगा, भाई नहीं तेरी प्रार्थना नहीं सुनता, पहले माफी मांग तब सुनूंगा। सेकंड तरीके से वो तब साइलेंट होता है तो लग रहा है बिल्कुल सही चल रहे हैं। अब अपने अंदर हर एक जन जांचता है ना, तो प्रभु जब साइलेंट होता है समझता कुछ वायलेंट वाली गवाही आने वाली है। हाँ और हमारा प्रेगनेंसी टाइम जब था तो समय ऐसा ही हो रहा था हमारे साथ, प्रभु साइलेंट आज भी कब तक साइलेंट प्रभु, कब तक तू चुप रहेगा, क्या तुझे दिख नहीं रहा प्रभु, कब तक कब तक कब तक। उसके उसके बाद बाद बात चीजों की बाढ़ शुरू हो गई थी हमारे लिए। प्रभु से बताया, तभी तो सिंपल, तुमसे बात करता था उन दिनों लेकिन लोगों के द्वारा, लोगों के द्वारा बात करता था लोगों से कई बताया बार। वचन आप लोगों को पता है ना, लोगों मतलब लिखा हुआ वचन। पता आप नहीं। लोगों को पता है ना, जब आपको गवाही दी थी, मैं स्कूटी पे जाता था, पेट्रोल की तरफ देखता था, कई बार मन में रोता था, मैं स्कूटी पे जाते जाते रोता था, हेलमेट लगा रखा लेकिन रो रहा हूँ। मेरी वाइफ मुझे बोलती थी, जाओ बड़ी गवाही के साथ आओगे। मैं पेट्रोल पंप की तरफ देखता था, प्रभु मैं आऊंगा तो सिर्फ पेट्रोल भरवाऊंगा, लेकिन पता चलता है कि कोई ब्लेसिंग नहीं आई, कोई अकाउंट एम्बुलेंस की कोई ब्लेसिंग नहीं आई, कोई कोई मेरे लिए कोई रास्ता खुला हुआ नहीं है। मैं फिर से उस पेट्रोल पंप के सामने से होकर निकलता था बिना पेट्रोल भरवाए, मन में रोता था मैं। वो टेस्टिंग थी मेरी, चेक करता था परमेश्वर मेरे को। एक बार की और बात है, मेरे को लग रहा था अब तो आखिरी मोमेंट चल रहा है, अब तो समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। आपको पता ही होगी भाई, तो जिसमें वाइफ भी थी, मैं मेरे को ना वाइफ की और बच्चे की थोड़ी ज्यादा चिंता रहती थी, और कई बार मन में आता भी था कि पेट्रोल नहीं है, ये दोनों है तो इनको इनके लिए थोड़ा सोचने वाली बात है। आदमी तो जितना मर्जी खचेड़ के ले जाएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, सपोर्ट मांग लेगा, थोड़ी देर बैठ जाएगा, स्कूटी कहीं खड़ा करके चला जाएगा घर पे, कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब वाइफ और बच्चे वाली बात होती है ना, तो थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना पड़ जाता है। इनको अकेला नहीं छोड़ सकते, इनको धूप में थका नहीं सकते, भगा नहीं सकते, कहाँ लेके जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे, 36 बातें सोचनी पड़ती है। परमेश्वर ने बहुत सारे एरियो के अंदर हम सभी को समझने का, सोचने का, एक मिनट, फॉर एवरीवन, हम सभी को सोचने का समझने का मौका दिया परमेश्वर ने, ग्रेस दिया ताकि हम इन बातों को सीख सके, जान सके, और उसकी उन ताड़नाओं के द्वारा उसके मार्गों को समझ सके कि खुदा में किस तरीके से सिखाना चाहता है। जैसे दाऊद ने कहा था ना, जो मेरे साथ हुआ वो मेरे साथ भला ही हुआ, ताकि मैं तेरी विधियों को जान सकूं, ताकि मैं तेरी योजनाओं को समझ सकूं, तेरी इच्छा को मैं जान सकूं। आमीन। हर बात परमेश्वर की ओर से हमारे लिए भलाई ही को उत्पन्न करेगी। अगर आप गिर गए हो तब भी परमेश्वर उसमें से भलाई निकाल देगा। अगर आपने जानबूझ कर गिरे हो, अगर आप पश्चाताप में आ गए, तब भी उसमें से परमेश्वर भलाई निकाल देगा। अगर आपको शैतान ने गिराया तब भी भलाई निकाल देगा। अगर आपको खुदा पर रख रहा है तब भी वो भलाई निकाल देगा। वो हमेशा भला है, ऑलवेज हमारे लाइफ के हर एक एरिया में भला है। ये हम सभी ने अनुभव किया होगा, है ना। ठीक मांगते खुद हम ही तो मांगते हैं प्रभु, आत्मा के फलों से वरदान वरदान, ऐसा मसा दे, ऐसा अभिषेक दे, मूर्ति पे बजट तो जाए, सारे कर्म हो, बंधन जाए हो जाए, बीमार चंगे हो जाए, सारे कर्म हो जाए, ना। तो परीक्षा से होकर गुजरना पड़ता है ना। खुद खुदा यीशु की परीक्षा हुई थी, एलिया भूखा रहा था, दैनियल की खाने को लेकर परीक्षा हुई थी, चेलों की परीक्षाएं हुई, और परमेश्वर के दासों की परीक्षा हुई, पूरे अब्राहम दुनिया की के किसान थे, अब्राहम की परीक्षा हुई थी। अब्राहम की परीक्षा तो जिन जिन नबियों के बारे में हम पढ़ते थे, ऐसी परीक्षा कभी हमारी जिंदगी में आज तक नहीं हुई है, इस बात को हमेशा याद रखना। जिन नबियों के बारे में, जिन प्रभु के दासों के बारे में हमने पढ़ा है, हमने सुना है, ऐसी परीक्षा हमारी जिंदगी में आज तक नहीं आई है। जब खुदा ने उनको उस परिस्थिति में संभाला है, तो हमें क्यों ना संभालेगा, समझ रहे हो। और क्या कहते हैं, शद्रक मेशक अबेदनगो को देख लो, दानियल को देख लो, और यहोशू को देख लो, और इसहाक को देख लो, एसाव को, हाँ इसहाक को देख लो, यहोशू को देख लो, अब्राहम को देख लो, नूहा को देख लो, कितनी खतरनाक परिस्थितियां। ये सिर्फ आवाज सुनकर काम करने वाले लोग थे, बहुत सारे इनमें से ऐसे थे। आज तो खुदा हमारे अंदर वास करता है, यीशु, यीशु का घर आज हमारा शरीर है। तो अभी थोड़ा ग्राउंड सेट हो रहा है ये, ताकि आप लोग इन चीजों को समझ सको। पर ये मत समझना कि गवाही दे रहे हैं या सिंपथी गेन कर रहे हैं कि भाई क्या कर रहे हैं। नो पहले तभी बताया जा रहा है कि ना, अगर आम आदमी के तो उन गवाहियों को अच्छे से समझ पाएंगे छोटी शारीरिक। छोटी 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 चीजों में भी आपको समझाना है, छोटी छोटी चीजें शॉर्ट में, आसान शब्द में आपको बताने की कोशिश करेंगे। एक परमेश्वर के सेवक का, जब मैं परमेश्वर के वचन दासों के बारे में पढ़ रहा था, शायद प्रेरित पौलुस के बारे में पढ़ रहा था मैं, तो प्रभु प्रेरित पौलुस अपना आदर नहीं चाहते। और जब मैं परमेश्वर के चेलों के बारे में पढ़ता हूँ, यीशु के बारे में पढ़ता हूँ, जब पवित्र शास्त्र में कुछ चीजों को पढ़ता हूँ, तो मन में एक ही चीज आती है, वो कभी किसी के ऊपर बोझ नहीं बनते थे, वो ब्लेसिंग का कारण ही बने ऑलवेज, है ना। अब हम पॉइंट पर आते हैं। बहुत सारी परीक्षाओं में आप लोग होकर गुजरे, अभी भी बहुत सी परीक्षाओं में हो सकता है थे, है ना।
अब वो किस प्रकार की थी ये आपको पता है, हम आपकी समस्या को समझ सकते हैं लेकिन महसूस खुदा कर सकता है ना, और दूसरा महसूस वो कर सकता है जो इन बातों से होकर गुजरा है, और उसी के अंदर वो बोझ होगा जो कि जिसके द्वारा आपके लिए दुआएं की जाए, है ना। आपने देखा होगा खुदा के दास लोग क्यों बोझ के साथ दुआएं करते हैं, क्यों, क्योंकि वो होकर गुजर चुके होते हैं इन बातों से। जब हम घटी में थे तो दूसरा जब घटी में रोकर हमसे बोलता है भैया घटी के लिए प्रार्थना करो मेरी घटी दूर हो जाए, तो मन में आता है प्रभु मेरी घटी ने मुझे नानी याद दिला दी थी, हो सकता है इसकी जिंदगी में भी कोई ऐसी घटी है तो इसलिए मेरे से प्रार्थना का विषय दे रहा है, समझ रहे। तो एक बोझ आता है आसान शब्दों में, बहुत बार आता है, बहुत बार नहीं होता था। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो गवाही ये है कि हाँ, जो हमारा पहले वाली जो टेस्टिंग, बहुत बार हमारी टेस्टिंग हुई है, मान लो इन दिनों तो बहुत आए दिन प्रतिदिन हफ्ते हफ्ते में हमने अपने आप को परीक्षाओं में देखा था, बहुत बार टेस्टिंग, और हर एक परीक्षा से खुदा ने हमें आज भी निकाला है और ऑलवेज निकाला है। कुछ परीक्षाएं हमारी कुछ घंटों की हुई, कुछ परीक्षा हमारी कुछ मिनटों की हुई, कुछ परीक्षा हमारी कुछ दिन की हुई, कुछ परीक्षा हमारी कुछ हफ्तों की हुई, और कुछ परीक्षाएं अगर बीते समय को देखें तो समझ लो कुछ महीनों की भी हमारी परीक्षा हुई थी। कुछ परिस्थितियां हमारी ऐसी भी थी जिसके अंदर हमने बहुत बढ़ोतरी को देखा, कुछ परीक्षाएं हमारी ऐसी थी जिसमें हमने बहुत ज्यादा घटी को देखा, और बहुत बार आप लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा होगा। क्योंकि स्टोरी पीछे चलती है, पर ग्लोरी जब आती है तो वो सबको नजर आती है। स्टोरी पीछे चल रही होती है, पर स्टोरी किसी को मालूम नहीं होती है। देखो हम सोचते हैं कि कई बार परमेश्वर शर्मिंदा नहीं होने देगा, बहुत बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, बहुत बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती है, कई बार वो हमें अंदर और खोलकर देखना चाहता है, अगर थोड़ा सा और खोल दूं मैं तेरी इस बात को तो कहीं तो बुरा तो नहीं मान जाएगा, कहीं क्या छोड़ तो नहीं देगा? तो मेरा विरोध तो नहीं करेगा, उंगली तो नहीं उठा देगा, बुराई तो नहीं कर देगी, छोड़ के तो नहीं चली जाएगी, थोड़ा सा और सताव, थोड़ा सा और खोलकर तेरी बेइज्जती हो, या थोड़ा सा खोलकर और तेरे ऊपर सताव करूं तो क्या करेगा, तो क्या करेगी, तो समझ रहे। तो जैसे कि आप लोगों को बहुत टाइम पहले बहुत सी चीजों के विषय में परीक्षाओं को लेकर बताया था, और उन परीक्षाओं में प्रभु ने हमें जय दिलाई थी, सोच रहे भैया परीक्षा भैया भैया गवाही कब शुरू करेंगे, शुरू कर रहे हैं चिंता मत करो। तो अभी भी बहुत लंबे समय से हमारी टेस्टिंग चल रही थी, हमारी अर्निंग में हमारे फाइनेंस में बहुत तगड़े उतार चढ़ाव हुए, बहुत सारी जिम्मेदारी को देखना पड़ा, बहुत सारी जिम्मेदारी को, और बहुत सारी घटियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंदर पड़ा था घर, बहुत सारी घटियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन ये सब चीजें हमारे सिखाने के लिए थी, और उन विषयों में परमेश्वर ने हमें करेक्शन दी, हमें रीजन भी पता चला। और बहुत सारी हमसे ऐसी मिस्टेक्स हुई थी जो हम शायद हम अगर ये टेस्टिंग नहीं होती ना शायद हम नहीं समझ पाते। अब इन चीजों को हम समझना शुरू करा तो परमेश्वर ने हमारे ऊपर ग्रेस डालना शुरू किया, दया करना शुरू की। हमने फाइनेंस में बहुत सारी घटियों को देखा था, बहुत सारी घटियों को, कुछ लेने के लिए भी कई बार मन में आता था कि प्रभु ये ले ना ले, प्रभु सोचते थे, कुछ चीजों को सोचने के लिए सोचना पड़ता था, कई बार कुछ परिस्थितियां होती हैं विश्वासी की जिंदगी में, क्योंकि कई बार हम लोग मांगते हैं प्रभु मुझे दृढ़ बना, प्रभु मेरा विश्वास मजबूत हो, अच्छा ठीक है 2 मीटर को ऊपर से टोटी बंद करता हूँ, देखता हूँ तू कहाँ ताकेगा, भैया को ताकेगा, जीजा को ताकेगा, किसी भाई बहन को ताकेगा, किसी मनुष्य को ताकेगा, किसकी ओर ताकेगा, रुक जा अभी 2 मिनट के लिए ऊपर से टोटी बंद करता हूँ और ऐसे दूसरा की। मुझे बात बता, एलिशा के साथ क्या हुआ था? वो आए थे एलिशा जी जी के घर, जब विधवा के घर पे गया था एलिशा, गए थे तब की विधवा, एलिया और पता है उसमें क्या हुआ था कि ना हमारे साथ भी कुछ कुछ ऐसा हो रहा था कि ना, और इन दिनों ही जिस टाइम हमारी घर की चल रही थी, और इन्हीं दिनों में ना, मुझसे बताऊं, इन्हीं दिनों में ना हमारे घर पे गेस्ट पे गेस्ट, गेस्ट पे गेस्ट, गेस्ट के गेस्ट भी आ रहे थे, ऐसा हुआ हमारे साथ। और इन्हीं दिनों में सिलेंडर भी हमारा खत्म हुआ, हमारा मैसेज बिल भी तगड़े वाला आया, हम तो सोच रहे खुदा जब मैंने अपनी अर्निंग का हिसाब लगाया ना प्रभु ये तो अर्निंग से बाहर जा रहा है, जो खर्चा अलग से जो बाहर जाना है अमाउंट, जो अमाउंट बाहर जाना है वो तो हमारी कमाई से हमारी ब्लेसिंग से भी हमारी कमाई से भी कम था जो हमारे पास मतलब ब्लेसिंग आती थी, अर्निंग आती थी जो हमारे पास, समझ पा रहे हो आप। आप लोगों को पता है मैं कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करता है ना, मैं कोई प्राइवेट जॉब नहीं करता है ना, समझ पा रहे हो आप लोग सभी। बहुत कम पास्टर लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट सब फुल टाइम मिनिस्ट्री में। लेकिन मैं एक चीज आप लोगों से कहना चाहता हूँ, इस मीटिंग में मिनिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोगों को खुदावंद ने रखा है जिनको कई बार खुदा बेचैन करता है, मन में डालता है, और जो परमेश्वर के भवन की जो जरूरत होती है ना
वो अपने आप पूरी नहीं हो जाती है, याजक अकेले पूरी नहीं कर सकता है, ध्यान रखना इस बात को। जिसमें परमेश्वर ने एक रूल बनाया है कि बोने वाले को बीज मिले, खाने वाले को भोजन मिले, एक तरीका है मिनिस्ट्री को करने का, मेंटेन करने का, हैंडल करने का। अब देखो मैं चीज आप लोगों को कुछ बातें खोलकर बता देना चाहता हूँ, कुछ बातें नॉर्मली आसान शब्दों में। अब जैसे सेवक मान लो, अब आपके जो पास्टर है चर्च के, अगर चर्च के लोग है ना दान दसवें से देने बंद कर देंगे ना, तो वो कलीसिया नहीं चल सकती है, क्योंकि पास्टर को कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, पास्टर की कोई ऐसी है। मैं एक उदाहरण देना देकर समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, है ना। और हम ये मत समझ रहे कि हम आपसे मांग रहे हैं, मैं कुछ एक गवाही के तौर पर जो सच्चाई है वो बता देना चाहता सेवा खुदा की है, खुदा चाहे हूँ। हाँ, खुदा के तरीके से, खुदा चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो एक प्रभु ने तरीका बताया ना, वो तरीका बता रहा हूँ आपको। एक एक प्रोसेस होता है, जो दशमांश, जैसे मान लो हम अपना कमाई का दशमांश, हमारी ब्लेसिंग का जो हमारे हाथ में आता है, उसका 10वां हिस्सा हम अपने चर्च में देते हैं, और वो जो 10वां हिस्सा चर्च में जाता है, तो उसके द्वारा चर्च की जरूरतें पूरी होती हैं, और जो पास्टर्स लोग हैं उनकी जरूरतें पूरी होती हैं, क्योंकि उनको भी सरकार नहीं दे रही है, समझ रहे हो। इसी प्रकार से वो अपने आगे अगुओं को देते हैं 10वां हिस्सा जो उनके हाथ में आता है, इसी प्रकार से सारी जरूरतें पूरी होती हैं, और इसकी वजह से बोने वाले की आशीष खुलती है, और जिसके पास फाइनेंस आता है उसकी जरूरतें पूरी होती हैं, और उसमें से भी जब वो अपने उसमें से भी 10वां हिस्सा निकालकर आगे जब अपने पास्टर्स को बोता है, तो उसके द्वारा उसकी भी ब्लेसिंग खुलती है, क्योंकि बिना बीज बोए कोई फसल नहीं आती। अब वो बीज चाहे ऑफरिंग है, चाहे दशमांश है, चाहे कोई सा भी है, चाहे धन्यवाद की भेंट है, बीज बीज है ना, ध्यान रखना। और आप सब लोगों को पता है हम दशमांश नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने आप लोग, बहुत सारे लोग इस मिनिस्ट्री के अंदर ऐसे हैं, बहुत सारे लोगों को किसी ना किसी तरीके से परमेश्वर ने खड़ा करके रखा है, जैसे हर एक चर्चेस के अंदर परमेश्वर ने खड़ा करके रखा। देखो जैसे कई बार शायद मैंने अपोस्टल अंकुश जी के द्वारा भी प्रीचिंग सुनी है, तो मेरे मन में है कि कुछ अमाउंट में वहां पर भी सेंड करूं, क्योंकि मैंने उनके द्वारा शिक्षा पाई है, रोटी खाई है मैंने, मैंने डॉक्टर मोहन सिंह जी के द्वारा मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो मैं मेरे मन में आता कि कुछ अमाउंट में वहां सेंड करो। हम उनको भी ऑफरिंग सेंड करा करते थे जब लॉकडाउन का टाइम था, उसके आसपास है दोनों हम सीखते थे, और जब किसी भी हम मीटिंग्स में जा रहे हैं, डेली बेसिस पर पता है हाँ वो हम शिक्षा हाँ पाते थे उनसे, और उनके बेटे से हमारी बातचीत थी, और यूट्यूब वगैरह का उनका भी कुछ मैटर था, हमारी बहुत अच्छी फाउंडेशन कर दी थी खुदा ने। और जब भी हम कहीं किसी मीटिंग्स में जाते हैं, तो वो वहां से कुछ शिक्षा पाते हैं, तो वहां पर भी हम बीज बोकर आते हैं, ऑफरिंग बोकर आते हैं, खुशी से कोई भेंट बोकर आते हैं, वो कुछ भी हो सकती है भेंट, लेकिन हम अपनी कमाई का 10वां, जो भी हमारे हाथ में धन आता है, चाहे वो प्रभु ने कहीं से हमें ब्लेस किया, चाहे वो हमारी अर्निंग का आया, चाहे वो मतलब जो भी हमारे हाथ में अमाउंट आता है, उसमें से हम अपने 10वां हिस्सा अपने चर्च में देते हैं। 10वां हिस्सा हम हर जगह नहीं देते, 10वां हिस्सा हम सिर्फ हम अपने ही चर्च में देते हैं, है ना। तो इसके द्वारा क्या है, सब मेंटेन रहता है, कहने का मतलब जहां कहीं से भी हम सीख रहे हैं, तो हम उसके ओके कर्जदार नहीं होंगे, और उस जहां से हमने रोटी खाई है उसको हम वचन वचन की रोटी खाने के द्वारा हम ब्लेस कर सकते हैं, कि प्रभु मैंने इसके द्वारा रोटी खाई तो उसको आशीष देना। और प्रभु ये कहता है कि दबाव में कभी नहीं बोना, बोझ के साथ कभी नहीं बोना, और घुट कर कभी नहीं बोना, टूटर पिसकर कभी नहीं बोना, कहने का मतलब कुड़कुड़ाहट के साथ दबाव में कभी नहीं बोना, हर्ष और आनंद के साथ बोना है ना। तो हमने वहां भी बोया है, इसी प्रकार से आप लोगों ने भी हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारे बीज बोए हैं, समझ पा रहे हो आप। बहुत से लोगों ने हमारे पास ऑफरिंग सेंड किए, बहुत से लोगों ने हमारे पास अपने धन्यवाद की भेंटें सेंड किए हैं, हम राइट दशमा, टाइम पर बता और नहीं। परमेश्वर आप लोगों के मन में राइट टाइम पर डालता है, आपके मन में राइट टाइम पर डालता है, और सही समय हमारी जिंदगी में वो दिखाई देता है, और खुदा याद दिलाता है, देख मैं तुझे अपनी ओर ताकना सिखा रहा था, देख तेरे लिए मैंने ये सही समय रखा था, ये चीज में, ये ब्लेसिंग मैं तेरे को पहले भी दे सकता था, मैंने तुझे बाद में इसलिए दी, क्योंकि कई बार परमेश्वर हमें कुछ चीज सिखाता है, समझ रहे हो। इस गूगल मीट के अंदर, इस मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा परमेश्वर ने हमें फाइनेंशियली, मतलब जिन लोगों ने हाथ बढ़ाया, और हमारी जो मतलब हमारी जो सेवकाई है, सेवकाई में बहुत बड़ा सपोर्ट हमें मिला है परमेश्वर की दया से, वैसे परिश्रम कर रहे हैं उनके लिए भी परमेश्वर हमें खड़ा करें। है ना। और अभी कुछ टाइम पहले आप लोगों को प्रे रिक्वेस्ट दिया था, क्योंकि देखो वैशाली बहन होगी, अर्पित भाई हो गया, और अपराजिता बहन होगी, इनके पास कोई अपना पर्सनल सोर्स नहीं है, और मैं चाहता हूं, मेरी वाइफ, हम लोग चाहते हैं कि हमारे लिए परमेश्वर ऐसे द्वार खोले ताकि हम इनके लिए फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके, शुरुआत चाहे छोटे से हो, समझ पा रहे हो। क्योंकि मैंने बहुत सी चीजें सुनी है, और मैंने बहुत सी चीजें जानी है, धन ना होने की वजह से ना बहुत सी सेवकाइयां टूट गई, बिखर गई, सेवक लोग भटक गए, सेवक लोग अपनी बुलाहट को पूरा ना कर सके, और धन ना होने की वजह से बहुत से विश्वासी लोग गिर गए, उनका विश्वास कमजोर पड़ गया, वो खुदा से दूर हो गए, या वो अपनी नौकरी बिजनेस में बिजी हो गए और खुदा की सेवकाई छोड़ दी, वो परीक्षाओं में स्थिर नहीं रह सके, या तो फिर वो किसी न किसी प्रकार से कमजोर पड़ गए। मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को,
सेवकाई एक बंदे की वजह से नहीं चलती है। इस समय जो हम ये सेवकाई हो रही है, सबसे बड़े पहले परमेश्वर की दया और अनुग्रह है, दूसरा वो आप लोगों के मनों में डालता है, जिस प्रकार से वो हमारे मन में डालता है हमारे सिखाने वालों के लिए बोना, उसी प्रकार से वो आपके मन में डालता है कि आप हमारे लिए बोल। जैसे कई बार वैशाली बहन हो गई, अर्पित भाई हो गए, बहुत सारे भाई बहन है इस समय इस मीटिंग के अंदर जुड़े हुए हैं, है ना, सिस्टर्स है, ब्रदर्स है ना, कर्मिक अभी भी बहन जुड़े हुए हैं। ने सच में उसको बोने आज भी एक का सिस्टर ने परमेश्वर ने उनके मन में डाला, बोने का ग्रेस दिया, और जब हमारे पास आया हम हैरान हो गए, परमेश्वर नहीं आया, उसको पहले कुछ बोला था बहुत बड़ी। चीजें हाँ तो वो चीजें भी बताएंगे कि हमारी टेस्टिंग बड़ी खतरनाक चली है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो समझ रहे ना सारी इन बातों को, आपके बोना व्यर्थ नहीं। आप जब बोते हो पहले परमेश्वर आपको बोने के लिए बीज देता है, अगर आप भूख और प्यास रखोगे। जैसे हम लोग मांगते हैं, प्रभु मेरी वाइफ बोलती, प्रभु मेरे को हर संडे तेरे को स्पेशल बीज बोना है। अभी सच में सच में मेरी गवाही है कि जब हाँ से ऑफरिंग एक अलग होती है, पर एक स्पेशल सीड परमेश्वर तो भवन की सेवकाई के लिए यूज होने पाए या कुछ भी चीज में यूज होने पाए। अभी तो थर्टी चल रहा था हमारा, तो मैंने बोला प्रभु देख क्रेजी बनना है बोने के लिए, पागल होना है बोने के लिए परमेश्वर, लेकिन अभी तक नहीं हूँ प्रभु तो बना रहा है। अब बस मन में यही आता है परमेश्वर तू क्रेजी कर बना, और प्रभु देख तेरा हमारा बोना कभी रुकने ना पाए, तेरे भवन तुम भी ना आने राज्य के पाए। कम भी ना होने पाए। मन में आता था प्रभु कम क्यों तो होगा, मैं कम क्यों सबसे होगा। यार था मन में प्रभु स्पेशल सीट बोना है, कल संडे आ गया कुछ कर कर कर। तो ये सारी बातें बताना, समझना है, क्योंकि ये मांगती है, हमारा मांगना जरूरी है। अगर हम यूं ही छोड़ देंगे, अब हमारा मांगना जरूरी है। अगर हम मांगेंगे प्रभु मैं स्पेशल बोना चाहता हूँ, स्पेशल सोचोगे ब्लेस करेगा, इंतजाम करेगा वो आपके लिए। समझ पा रहे हो कहने का मतलब, उदाहरण है। और एक और चीज कि जब जिस प्रकार से हम हमारे अगो की जिंदगी में, हमारे चर्च में जो भी लोग आते हैं, वो लोग परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, वो लोग अपने दशमांश देते हैं, उठाने की बेटे ऑफरिंग्स देते हैं। क्यों? क्योंकि खुदा उनकी जिंदगी में काम कर रहा है। और जब वो उनकी जिंदगी में बोते हैं, जैसे हम अपने 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 जो भी हमारे पास अमाउंट आता है, ब्लेसिंग आती है, जो भी हमारे पास फाइनेंस आता है, उसका जब हम 10वां हिस्सा अपने चर्च में डालते हैं, तो उस वो एक बीज है जो खेत में जाता है परमेश्वर के। तो वो खेत में जाता है तो हमारे लिए एक अच्छी फसल काट कर देता है। समझ पा रहे हो? इसी प्रकार से जब आपके हाथ में कोई भी फाइनेंस आता है, जब कोई भी प्रभु आप जब प्रभु आपको किसी को भी बेचैन करता है अपने दशमांश के लिए, जब आप अपने चर्चेस में डालते हो अपना 10वां हिस्सा, या जब अपनी भेंटे कहीं भी बोते हो, तो उस बोने के द्वारा आपके लिए रास्ते खुलते हैं, आपकी ब्लेसिंग खुलती है। समझ पा रहे हो? और ये अपने आप ही ये ऐसे ही नहीं हो जाता है, इसमें परमेश्वर की उत्तम और महान योजना होती है। जब तक खुदा किसी के मन में ना डाले, कोई किसी को एक गिलास पानी नहीं पूछ सकता। और वचन में लिखा है जो मजदूर करते हैं उनको उनकी मजदूरी मिलनी चाहिए, और परमेश्वर खुद अपने लोगों को मजदूरी प्रोवाइड करते हैं, ताकि खुदा का नाम निंदित ना हो और परमेश्वर के लोग ठोकर ना खाएं, सेवकाइयां भी चलती रहे, सब मेंटेन रहे, और कोई किसी की ओर ताकने ना पाए। क्योंकि अब राजा विशाली सिस्टर भाई सब करे, पर जो लीडर्स लोग हैं ना, जो प्रभु ने जो अनॉइंट करके ठहराया गया है ना, ये मजदूर है और इनकी मजदूरी देना फर्ज है ना। इनको देना हमारा फर्ज है, ये हमारी जिम्मेदारी है, इस चीज को हमने सीखा है। तो छोटी सी कुछ छोटा छोटा करके हमने शुरू किया है, एक नई शुरुआत की ये है। बड़े बड़े मिनिस्ट्री से चेक करोगे ना, जिनको खुदा हाँ बोते हैं, परमेश्वर अफसलन कुर्सी की देख लो, कितने वर्शिपर से किंग्स हैं। मैन हो गए, अपने हाँ वर्सकीपर्स हो गए, सबको देते हैं सैलरी देते हैं। 7 महीने के वहां पे, तो भाई उनके काम नहीं कर रहे, अगर पैसा जेब में नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली जगह कहीं ना कहीं गड़बड़ कर सकता था, तो वो उनकी जिम्मेवारी है, जो उनके अंडर में लोग हैं उनको वो करें। ये तरीका है सेवकों को बढ़ाने का और सेवा करने का, भवन को चलाने का, जो लोग आ रहे हैं नाथ और विधवाएं उनकी भी शुद्धि लेने का। जैसे कई बार हमारे पास ऐसे भी कॉल्स आए, ब्रदर हमें इस चीज की जरूरत है, फाइनेंस की जरूरत है, घर में राशन चाहिए, तो हमारा फर्ज है हम उनकी भी हेल्प कर सके। जरूरी नहीं है कि वो लीडर्स हो, वॉलंटियर्स हो, वो एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता था। वो है दिया है बोने का परमेश्वर, ये प्रभु की दया, प्रभु की सामर्थ्य है। लेकिन प्रभु में सिखाता है, घटी में से बोना छोटी बात नहीं है, प्रभु ने हमें सिखाया है। और कई बार हमारा अंदर से दिल लिए हुए, प्रभु देख, कई बार रोई में, खुदा देख मेरे पास नहीं है, मैं इसकी हेल्प कर सकता था, मेरे पास नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, कई बार मेरे पास ऐसा है, मैंने शायद अपने अकाउंट की ना स्क्रीनशॉट भी सेंड करा है ना, अकाउंट का स्क्रीनशॉट भी सेंड करा है। सोचो शायद कोई कोई ये ना सोचे भाई के पास है और दे नहीं रहा है। समझ पा रहे हो? अब किसी को भी कैसे भी जरूरत पड़ सकती थी, हमारा फर्ज है कंधे से कंधा मिलाकर चलना और इस सेवा इकाई को आगे बढ़ाना, खुदा की महिमा, खुदा की इच्छा पूरी मुझे करना। कुछ तो होता ना उसी टाइम पे किसी भाई का, मान लो उदाहरण का 1,000 रुपया सब हमारे अकाउंट में थे, और उसके बाद भाई का फोन आ रहा है, सिस्टर ब्रदर जरूरत है, हो जाएगा कितना, 500 रुपया किसी भी सेंड कर दो, 500 रुपये सेंड कर दो बाद में देखते हैं। वो 1,000 रुपये तो थे परमेश्वर, अभी मुझे 500 रुपये चले गए अब, और फिर कोई ना कोई चीज हो जाती है, कभी कुछ, क्योंकि लाइफ है, लाइफ से बहुत बार हुआ है हमारे साथ ऐसा, घटी में तू कर सकता है, भरपूरी में तो हर कोई कर देता है।
ऐसे टाइम पर खुदा ज्यादा टेस्ट करता है और ऐसे टाइम पर शैतान ज्यादा रोटी फेंकता है। अरे अपने कारे देख, बी बच्चा देखना, अरे तुझे रिचार्ज कराना है, अरे तुझे ये करना विधवा ने भी एलिया को खिलाया था ना है ना, उस घटी में एलिया से। से। और खुदा उसका कर्जदार हो गया था और खुदा ने फिर उसको इतना खिलाया कि 3.5 साल तक कभी खत्म कभी नहीं होगा। खत्म नहीं होने। खुदा जिसका कर्जदार हो गया तो क्या खुदा उसको बिना ब्लेस करे छोड़ेगा? तो सो के एक बात जो ये बताइए, इसमें से बहुत सारी चीजें हमारे साथ हो चुकी है ना। और दूसरा, अभी जैसे कि गुंजन ने बताया कि अपनी घटी में से बोने को लेकर हमारे साथ बहुत बार हुआ है, और अब हमारे मन में यह है कि जो भी, धन्यवाद देती हूँ हाथ उठाकर, खुदा ऑफरिंग में रुकने नहीं दी। खुदा ने हाँ मैंने 10 रुपए बोया, मैंने 20 रुपए बोया, जितना था प्रभु एक चिल्लड़ तक बोई है पता है एक टाइम का। याद है ना आपको, एक टाइम ऐसा भी था मेरी जिंदगी में, वो 1-1 रुपए के 3 सिक्के थे। मैं शायद बुधवार को, शायद पता नहीं बुधवार को बो दिया था, और फिर उसके बाद में जो वीरवार का टाइम था, मैं 1 रुपया भी नहीं बो के आया था। मैं रो कर आया था उस समय, खुदा आज मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है तेरे भवन में डालने के लिए। स्कूटी में पेट्रोल तक नहीं था डलवाने के लिए मेरे को, कि मैं पेट्रोल डलवा लूं। रोता था मैं, खुदा मेरे पास आज 1 रुपया भी नहीं है तेरे भवन में डालने के लिए, सिर्फ 3 रुपए पड़े थे जो कल मैंने तेरे भवन में बो दिए। शायद ऐसी कुछ हुआ था, फिर उसके अगले दिन जो वीरवार को जब संगति थी, जेंट्स मीटिंग थी, उस समय खुदा के सामने बोल कर आया था और रो कर आया था, खुदा मेरे पास आज नहीं है। और ये मैंने ऐसी घड़ी देखी, मेरे लिए ना बेटी भी मांग रही है, मम्मी ये खाना है वो खाना है ये खाना है, बोलती बेटे यहोवा से मांगो और इटली यहोवा उसकी सुनता है वो प्रार्थना करती है इस बहुत। बात के लिए, और जब वो मांगती तो कई बार प्रभु हमसे बात करता है, देख इस बच्चे के लिए तुम्हारा अंदर से आंसू आ गए, तुम्हारी आंखों में आंखें नम हो गई, तो मेरी क्यों नहीं हो सकती है? इसका मतलब मैं तुम्हें कुछ सिखा रहा हूं, खुदा तू मुझे, हमें कुछ सिखा रहा है। तो देने को पल भर में मान लिया इंतजाम कर सकता है। जब हम बुरे होने पर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हैं या देने की इच्छा रखते हैं, भूखे और प्यासे हैं बच्चे को देने के लिए, तो तू अच्छा होकर हमारे लिए इंतजाम क्यों ना करेगा? तू तो सबको खिलाता है। इसका मतलब ये चीज हमारे साथ जो हो रही है, ये हमें शिक्षा देने के लिए है। भले ही हो सकता है परिवार में कोई विरोध नहीं, फैमिली में कोई विरोध नहीं, कलीसिया में कोई विरोध नहीं, अलग बगल आस पड़ोस में कोई विरोध नहीं, परमेश्वर किसी ना किसी प्रकार से एक विश्वासी को तैयार करता है ताकि आगे चलकर वो दृढ़ हो सके। अगर हमारी लाइफ में अगर ये सब सिचुएशंस नहीं आएंगे, अगर भाई जिसके और होगा तो जिस दर्द से अगर इंसान निकलता है ना तो दूसरे की उसी दर्द वाली काउंसलिंग ना बहुत अच्छे से कर पाता है। समझ सकता है और अच्छे तरीके से महसूस कर सकता है, क्यों मेरी बहन, ये मेरे साथ हुआ है, चिंता मत कर, मैं तेरी किसी के घटी लिए कैसे हुई। देखे मुंह डाल के मैं रोटी थी, परमेश्वर मेरी बेटी मांग रही है, मेरी बेटी मांग रही है। अभी 2 दिन पहले मेरी बेटी बोल रही थी मम्मा मेरा बर्थडे आ रहा है, बर्थडे आ रही है ना केक काटेगी, लिटरली मैं उसको हूं कर रही हूँ, लिटरली मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे, अपनी आंखों से आंसू बह जा रहे थे, भय जानते परमेश्वर मैं कुछ नहीं कर सकती, परमेश्वर पर तू कर सकता है, जो मनुष्य के लिए तो संभव है तेरे लिए संभव है। सोखी एक बात, आज मैं बहुत थोड़ा वो हो चुका था, लेकिन मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो चुका था, थोड़ा मैं समझ लिया, मैं परमेश्वर से थोड़ा सा उदास था, मैं खुलकर दुआ नहीं कर रहा था, चुप चुप सा था, शांत सा था, क्योंकि एक बापू ना मन में आ जाता है। हाँ, और ये भी काफी दिन से, 3-4 मतलब काफी दिन हो गए थे, क्या कहते हैं, जब आपको बताया था कुछ दिन पहले लास्ट टाइम, जब हमारे घर पे, हाँ शायद नहीं बताया, हमारे घर पे लास्ट टाइम जब दूध आया था, तो दूध भी 2-3 घंटे तक, शायद 2-2.5 घंटे तक वो गैस पे ही रखा रहा, हम भूल गए उसको रख के, और बेचारे की रबड़ी बन गई, वो हल्का सा ही थोड़ा सा ही रह गया था और गाढ़ा हो गया था। उसके बाद काफी दिन हो गए थे, आज तक हमारे घर पे दूध नहीं आया था, और मेरा मन था प्रभु मेरे को दूध के साथ बिस्किट खाने का मन कर रहा है, या दूध के साथ कई बार गुंजन भी खा लेती है इसको, मैं दूध के साथ कई बार शेक वगैरह दे देता हूँ, राशन वगैरह, राशन वगैरह है खाने के लिए था, लेकिन जैसे कई बार मन करता है ना प्रभु दूध के साथ बिस्किट खाने का मन कर रहा है, या प्रभु मेरे को ये दूध पीने का मन कर रहा है, या कुछ छोटी छोटी, क्योंकि उस चीज की जरूरत है, पेट्रोल हो गया, काफी सारी चीजें लाइफ स्टाइल से होती है, जो फाइनेंस हो तो परमिशन उस चीजों को परचेस करने और की। हर बार मैं स्कूटी को फुल कराता था, और इन दिन मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरे को 200 रुपए का पेट्रोल डलाना पड़ा और 202 रुपए का, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक आशीष है कि खुदा मेरे को, मेरे हाथों को तूने खाली नहीं होने दिया। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए। जरूरी नहीं है कि कम हुआ लेकिन खाली नहीं हुआ, एक टाइम ऐसा था खाली भी हुआ, समझ रहे ना इस बात को, खाली भी हुआ था। प्रभु के वचन में लिखा, मैंने तुझे भूखा भी होने दिया, प्यासा भी होने दिया, ताकि मैं भर कर तुझे जान लूं कि तेरे मन में क्या है। खाली को भी वही भरेगा, कम को भी वही भरेगा, जो थोड़ा है उसको भी वही भरेगा, जो नहीं है उसके लिए इंतजाम भी वही करेगा। हालेलुया, समझ पा रहे हो? पानी आज भी, कल भी, कल की बात है, शायद परसों की भी बात है, उसके एक दिन पहले की भी शायद आसपास बात होगी, मन कर रहा था प्रभु दूध के बिस्किट खाने का, बिस्किट पड़े थे लेकिन दूध नहीं ला सकता था मैं, और क्या कहते हैं, यहाँ तक कि आज मेरे बटुए के अंदर है ना, 5-5 के 2 सिक्के पड़े थे, 5-5 के 2 सिक्के पड़े थे। अमन सिस्टर हमारे घर पे आई थी, कल की बात है, वो आई और उन्होंने पैसा से वो हुई बात,
मैंने कहा मैं यहीं पे खड़ी हूँ, यहीं पे भेज दो। और मेरे को लगा घर पे नहीं आ रहे प्रभु, लगता तेरी कुछ योजनाएं। क्या करूंगी घर पे, अच्छे से खातिर पानी मुझे पता है, तेरे पास तुझे पता है हमारे पास क्या है, मैं क्या दे पाऊँ, क्या खिला पाऊंगी, तू सब अच्छे से जानता है। और प्रभु इनफैक्ट मेरे को लेकर ही आ गया घर पे, है ना। प्रभु वन सिस्टर को लेकर आया, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, इनके मन में प्रभु ने कुछ अमाउंट डाला था, वो इन हम मतलब चर्च में देने के लिए, हमारे लिए नहीं, चर्च में देने के लिए। तो जैसे ही इन्होंने दिया, मतलब फिर उसको हमने रखा। हाँ, इन्होंने बोला था कि अगर आपके पास ऑनलाइन है तो ऑनलाइन सेंड कर दो, ये मैं कैश आपको देती हूँ। मैं सोच में पड़ गया था मैं प्रभु, इनकी शक्ल देख रही थी पर मैं कुछ बोल नहीं पाई कुछ। लेकिन ये बात मैंने प्रभु के सम्मुख रखी थी। प्रभु देख ले, आज मेरे को थोड़ा सा ना अजीब लगा, तेरी उस बेटी ने पूछा, लेकिन मेरे पास नहीं था, इतना भी नहीं था कि मैं इस अमाउंट को उनको ऑनलाइन सेंड कर दूं। समझ पा रहे आप? कोई चाहे कुछ भी सोचे, लेकिन मैंने अपने खुदा से बात करी, खुदा मेरे पास इतना होना चाहिए, इतना क्या, बस मेरे मन में आता कि खुदा खाली मत होने देना, क्योंकि बहुत सी चीजें होती है मन के अंदर, एक विचार बता रहा हूं। लेकिन ध्यान रखना, कई बार ऐसा भी हो सकता है, वरन हुआ है, वो खाली भी करेगा, तब भी रुकना मत। मैंने क्या कहा, समझ पा रहे हो? लिटरली मैं किचन में गई, जो था ठीक है, जो पड़ा था वो रखा, और बस जब मन में आता था, और मेरे माइंड इतनी तेज उस समय दौड़ रहा था, हार्ट बीट तेज, प्रभु और क्या बेस्ट करूं, क्या बेस्ट करूं, क्या बेस्ट करूं। हाँ, निशा बहन हमारे घर पे आई थी, तो प्रभु ने उनके द्वारा बहुत सारी चॉकलेट्स वगैरह भिजवाई थी, उसमें से एक चॉकलेट उनको दी, छोटी सी, और छोटा सा कुछ ड्रिंक वगैरह था जो रखा हुआ था। तो परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु ने सब संभाला। लेकिन मेरे मन में था, प्रभु थोड़ा सा मुझे यहाँ पर ऐसा लगा, कई बार परमेश्वर 0.1% तक भी जाकर चेक करता है, हमारे साथ हुआ था, ये मैं सोचना। नहीं, परमेश्वर भूखा नहीं होने देगा, वचन में लिखा है। मैं कह रहा हूं, अगर उसको आपको और बढ़ाना है ना, और फलवंत करना है, अगर उसको उसने कुछ ठान लिया है कि आपको सामर्थी बनाना है, तो मैं सच बता रहा हूं, वो तुझे भूखा भी रहने देगा। एलिया के साथ ऐसा हुआ था, वचन में लिखा है साफ। एलिया की बातें ना इसलिए बाइबल में नहीं लिखी गई कि लोग अगर एलिया के साथ अगर ऐसा हो, नहीं कि एलिया वो सिंपथी गेन कर रहा है भाई, एलिया सिंपथी गेन है, तो सिंपथी गेनिंग वाले वचन है भाई, ये तो सिंपथी गेन कर रहे हैं भाई। एलिया के पास रोटी नहीं थी, एलिया भी तो गया था विधवा के पास में, है ना? अब एक, लेकिन परमेश्वर ने उसको भेजा था। आप आगे के लिए बताइए, कमाई ऐसे दे रही है, आप आगे के लिए अपने आपको तैयार करो, सो कि एक बात, इन सब बातों को हमेशा याद रखना, कि वो दे क्या तुम्हारा कहते हैं, परमेश्वर, ना ना दे दे तो तो भी हमारा हमारा परमेश्वर। परमेश्वर। मेरी बहन को ना फोन का कुछ चेंज वेंज कराना था, तो उसने मुझे बोला था भाई आ जाएगा, तो मैंने कहा हाँ मैं आता हूँ। मैं उदास था थोड़ा सा, थोड़ी देर वचन पढ़े थे, वचन से परमेश्वर ने ऐसे बात कर ली, अंदर वचन गया ना, मेरी आत्मा को रोटी मिली, तुरंत अंदर पॉजिटिविटी आई, मैं सच बता रहा हूँ। 10-15 मिनट के अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन खुदा ने मेरी, अभी थोड़ी देर पहले ही बैठे बैठे कर दिया था, मतलब अभी नहीं, शाम के टाइम, जैसे वो वचन पढ़े, वचन पढ़ने के बाद अंदर पॉजिटिविटी आई, खुदा की रूह के द्वारा, वचन मेरी आत्मा, वचन मेरी आत्मा की रोटी है। जैसी वो रोटी मेरी आत्मा में आई, मैंने से बात करी, हमने प्रेयर्स वगैरह हुई, और मैं एक अंगीकार करके निकला, खुदा मैं, सुनना मेरी बात ध्यान से, चाहे यूट्यूब की पेमेंट आए या ना आए, क्योंकि यूट्यूब पे जब $100 हो जाते हैं ना, तब वो आता है। तो बहुत बार हमने बहुत सी चीजों को देखा, तो मैं अंगीकार करके सोचा कि प्रभु चाहे यूट्यूब की पेमेंट आए या ना आए, चाहे हमारे पास कुछ हो या ना हो, चाहे तू दे या ना दे, ऐसी कुछ बोला मैंने, चाहे तू दे या ना दे, तो भी तू मेरा परमेश्वर रहेगा, तेरे पास ना का तो पस्तीस करना हमने कम चुका। नहीं होगा, और तेरे लिए हमारे दिल में प्यार बढ़ता जाएगा। मैं इतना ही कहा था मैंने, 5 मिनट नहीं हुए, बस गाड़ी के स्कूटी पर बैठा ही था मैं सिस्टर के वहां जाने के लिए, इतने में मेरे पास एक कॉल आ गया, ब्रदर आपके पास कुछ अमाउंट सेंड करना है, इसमें से कुछ दशमांश आपको पास सुमन जी के पास सेंड करना है। मैं स्कूटी पर बैठा ही था, और ये वाली जो बात मुंह से निकली थी ना, शैतान के चुप गई और खुदा खुश हो गया। समझ पा रहे हो कि इस घटी के टाइम पे भी देख मेरा बेटा क्या बोल कर निकला है। समझ ये पा रहे हो सुनकर आप? कि प्रभु टेस्ट करता, पता है प्रभु क्यों ऐसी टेस्टिंग ऐसी घटियों क्यों लेकर आता था, मैं सहम गया था। क्योंकि आयुब के साथ क्या होता है, जा मेरे धर्मी जन को परख ले जा, है ना। अगर वो ऐसा नहीं करता तो क्या आयुब इतना प्रभु धर्मी ठहरता, शैतान प्रभु ने शैतान को भेजा था जाओ परख ले। तो कभी कभी परख प्रभु की ओर से होती है ताकि हम दृढ़ बने, अटल बने। और प्रभु चाहता है कि ऐसी सिचुएशन में इंसान इतना मजबूत बन जाए कि शैतान को करा तमाशा। सोचने के लिए भी हमारे पास बहुत कुछ होता है। प्रभु मेरा दशमांश तेरे भवन में धन का ईमानदारी से जा रहा है, धन का, प्रभु जितना हमें समझ है उसके हिसाब से ईमानदारी से जा रहा है। हमारे पास जो ऑफरिंग होती है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा, जैसे भी ईमानदारी से देने की कोशिश करते हैं, और मतलब जब अपनी तरफ से सही करने की कोशिश कर रहे हैं ना, मैं नहीं कह रहा हम परफेक्ट है,
लेकिन जिस एरिया में, चाहे हमें लग रहा है कि हाँ प्रभु इस बार का दशमांश तो टाइमली तेरे भगवान ने पहुंचा दिया है, तो प्रभु कोई घटी ना आने पाए तो हम पर दया करना, हमारे यहाँ देने वाले हो दूसरों को भी देने वाले बने। तो कई बार सही होने के बाद भी चेक कर सकता है परमेश्वर, मत भूलना इस बात को। ये मत सोचना कि प्रभु मैं तो दे रहा हूँ, मेरी तो अर्निंग ही नहीं बढ़ रही, मेरी तो ब्लेसिंग नहीं बढ़ रही, मेरा तो बिजनेस नहीं हो रहा, या मेरी तो हन्ना ने, हन्ना के बारे में आपको पता है, और यहां तक कि एलिया तक ने जब उसको प्यास लगी और जब उसको पानी चाहिए, मतलब एलिया को जब हरियाली चाहिए थी, एलिया ने भी जब 7 बार प्रार्थना करी थी तब हुई थी वर्षा, आपको पता है। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, जब हमारे लिए ब्लेसिंग खोली ना तो मन में आया, पहले जो जो हमें बोला गया है उस सिस्टर ने कि दशमांश वहां पहुंचाना है, हमने वो दशमांश दिया, उसी के साथ साथ हमने अपना भी दशमांश दिया जो हमारे पास आया अमाउंट। दशमांश देने के बाद हमारे मन में आया पहले जो जो जहां जहां हमें होना है, हमारे मन में ये बेचैन होने लगा, अर्पित का, वैशाली का, अपराजिता का चेहरा आने लगा, ये मजदूर हैं, ये सेवा करते हैं, और हम परमेश्वर ने जैसे, हाँ जैसे परमेश्वर ने इनको हमारे अंडर में रख रखा है, तो पर हमारा फर्ज है इनकी देखरेख करना। जैसे अर्पित ने बोला है कई बार, जैसे अर्पित भाई ने बोला है कि कई बार कि क्या कहते हैं लाइट नहीं है, ये है वो है, तो अर्पित भाई से मेरी पावर बैंक की बात हुई, बहुत सी चीजों को लेकर हम सोच रहे हैं आपस, चीज की भी आपस में कुछ बात चीजों को लेकर हम बातचीत करते धीरे धीरे करके, लेकर हम सोच रहे हैं, एक बार में नहीं कर पा रहे थे किसी के लिए, लेकिन एक राइट टाइम आएगा, शुरुआत हमें करना जरूरी था, लेकिन वो शुरुआत वो उस नाइट प्रेयर से हो चुकी है। याद है ना आपको वैशाली बहन, अपराजिता बहन और अर्पित भाई, उस नाइट से शुरुआत हो चुकी है आप लोगों के लिए भी, क्योंकि मुझे पता है जब इनकी जिंदगी में फाइनेंस की बातें होती थी ना अर्पित भाई के पास, कई बार अर्पित भाई का रिचार्ज कोई और कराता था, मतलब मन में एक चीज आती है प्रभु इन बच्चों के पास अपनी खुद की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास भी बहुत हो, इतना हो कि हम दूसरों को भी दे सके, हमें अपनी जरूरतों के लिए भी कभी किसी की ओर ताकना ना पड़े। खुदा ने इनके साथ साथ हमें भी ब्लेस किया, समझ लो ऐसा हो सकता है कि ये भूख और प्यासे मांग रहे हो, इनके चक्कर में खुदा ने हमें ब्लेस कर दिया ताकि वो ब्लेसिंग इन तक पहुंचे, ताकि कुछ ब्लेसिंग इन तक पहुंचे, है ना। ये खुदा की दया, खुदा किसी को भी किसी भी तरीके से कैसे भी इस्तेमाल कर सकता है, हमारा फर्ज है। जैसे कि सो की एक बात, जो आप लोग, जो हमें फाइनेंस मिला है, या जो आप लोगों ने, जो आप लोगों ने मान लिया बीज, जो आप लोगों मान लिए बीज बोते हो, उसमें से हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जो मिनिस्ट्री के अंदर जरूरत है, हमारी सेवकाई के अंदर जरूरत है, और जो हमारी जरूरत है, और जो लोग हमारे अंडर में दे रखे हैं उनकी जो जरूरत है, और अगर थर्ड पर्सन कोई, किसी को राशन की जरूरत है, किसी को कुछ अमाउंट की जरूरत है, कुछ इमरजेंसी है, तो हमें हर एक एरिया में एज अ सपोर्टर, एज अ हेल्पिंग हैंड बन के खड़े होना है, और किसी को अपाहिज भी नहीं बनाना है कि खुदा की ओर ना ताके, डायरेक्टली हमारी ओर ताके, जैसे प्रभु का अगुवाई करे, अगुवाई के अनुसार हमें प्रभु की दृष्टि में होकर हमें बोने की कोशिश करना है। तो बात यह है, हमारी लाइफ में बहुत सी घटियां रही और घटियां थी, है ना, अभी भी हम अपने आप को कभी भी हमें गिराना नहीं है, डिमोटिवेट नहीं करना है, खुदा से अपने आप को दूर नहीं करना है, नेगेटिव कन्फेशन नहीं करना है। अब हमने जो मांगा, हमारा मांगना क्या था, बहुत सी चीजें थी हमारा मांगना कि प्रभु मैं ऐसे बड़ा, वैसे बड़ा, ये बड़ा, वो बड़ा, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। हो सकता है परमेश्वर ने देखा हो, अच्छा तुम उनके लिए बोना चाहते हो, ठीक है मैं तुम्हें ज्यादा देकर देखता हूँ कि तुम बोओगे, तुम करोगे, तुम्हें याद रहेगा, अच्छा ठीक है नहीं है, चल तुम्हें कम में से, अच्छा तुमने कम में करा तो तुम ज्यादा में क्यों नहीं ध्यान रखोगे फिर, समझ पा रहे हो, हर चीज में से थोड़े में विश्वास योग्य रहता है, परमेश्वर ईमानदारी उसे बड़ी वस्तु का अधिकारी बनाता है। आमेन। है ना। तो सब बातों में प्रभु की महिमा हो, सारी महिमा प्रभु यीशु को मिले, और ब्लेस ब्लेस किया किया परमेश्वर ने आज हमें, सेवकाई में भी हाथ हाँ, बढ़ाया और हमें बहुत खुशी हुई। और मैं तो सच बता रहा हूँ, मैं तो अपने चर्च तक के भी, ये शायद मैंने पता नहीं गुंजन को पता ही नहीं बताई, अपने चर्च के लीडर्स तक के बारे में सोच रहा था, हमारे अगुओं का भी एक तरीके से मन में अगर सोचे तो आसान शब्द में अगुओं का भी बोझ हल्का हो जाए, क्योंकि हमारे चर्च में कई सारे लीडर्स काम कर रहे हैं। हाँ सोच रहे थे हमारे चर्च में जैसे कुछ लीडर्स काम कर रहे हैं कि अगर अगर वो प्रभु अगर उन किसी के बारे में अगुवाई करता है तो हम उनको कुछ कुछ अमाउंट उनको दे सके, क्योंकि मेरे भाई और बहनों जैसे कई लोग ऐसे हैं जिनके बारे में, कुछ लोगों के बारे में हम जानते हैं, वो सेवा करते हैं लेकिन फाइनेंशियली वो कमजोर है, वो खुदा में अच्छे तरीके से समय नहीं दे पा रहे हैं और सेवकाई अच्छे से नहीं कर पा रहे, फाइनेंशियली वो बेचारे बहुत टूटे हुए थे, समझ पा रहे हो, उनके पास कोई अच्छी अर्निंग नहीं है, कोई अच्छा काम नहीं है, कोई अच्छा, उनकी इतनी अच्छी स्टडी नहीं है कि उनको कोई अच्छा काम मिल जाए। अगर हमारे पास जो थोड़ा है ना लिखा है, तो तेरे पास थोड़ा है ना वो ताकतवर है। अगर हम थोड़े से थोड़े में ना, अगर हम कहेंगे ना इसके लिए बेस्ट करना, उसके लिए बेस्ट करना, इसके लिए लाखों रुपए होंगे तब तू बोएगा,
रॉन्ग। अगर तेरे पास अगर 20 रुपए भी है ना, अगर तो 10 रुपए तुझे लग रहा है वो गरीब है, उसको नीड है, अगर तो अपने आधा भी तो उसको दे देगा ना, 10 रुपए भी तो उसको दे रहे ना, अगर हम थोड़े से थोड़े में करने की कोशिश करेंगे ना, प्रभु आने टाइम में इतना देगा ना कि चेक बांटने का भी प्रभु अनुग्रह देगा। मैं आमेन घोषणा कर रही हूँ और ऐसा होगा, हम लोग गवाही देंगे यीशु मसीह आमेन। के। एक चीज और बता रहा हूं, ये परमेश्वर की महिमा के लिए बता रहा हूं। देखो हमारी मन बुद्धि ताकत सामर्थ्य कुछ भी नहीं हुआ, हम खुदा के नौकर होने के भी योग्य नहीं है ना। और स्टिल वी आर अ बिगेस्ट फेलियर, हमसे कुछ भी नहीं बन पड़ा, सब कुछ करने वाला खुदा है। खुदा जब तक लिखा है ना कि संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य यहोवा ही देता है, सब अगर खुदा ना देना तो हम आगे किसी को कुछ कर भी नहीं सकते। देगा खुदा, मन खुदा तैयार करेगा, सब कुछ करने वाले परमेश्वर, पर हम जैसों को वो इस्तेमाल करता है, बस ये बोलना और चाहूंगी। हमारे अंदर भी कोई अच्छी बात नहीं है कि वो हमें इस्तेमाल कर ले। ये खुदा अपने बच्चों से प्यार करता है, वो किसी भी जानवर को इस्तेमाल कर सकता है, किसी किसी पक्षी को, कौवे को इस्तेमाल कर लिया था एलिया के लिए, समझ पा रहे हो ना, किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। खुदा खुदा का काम खुदा के तरीके से होता है, और अगर कोई उसके लिए खड़ा होगा या नहीं होगा, कोई किस सेवकाई में बोएगा नहीं बोएगा, कोई सेवकाई में कुछ हेल्प करेगा नहीं करेगा, तब भी खुदा ऐसे काम करेगा जैसे हजारों स्वर्गदूत उसके साथ होकर काम कर रहे हैं। क्योंकि लिखा है वो जंगल में मार्ग बनाने वाला परमेश्वर है ना, वो निर्जल देश में निर्जल भूमि पे धारे बहाने वाला परमेश्वर है हाँ ना, सूखी भूमि पे वो अपनी मैं बरसाने वाला परमेश्वर है। आमेन। पतरस के पास कुछ नहीं था, चेलों के पास कुछ नहीं था, यीशु को पता था इनके पास कुछ नहीं है। पतरस जा उस किनारे जा, वहां पर एक मछली मिलेगी, उसके गले में एक सिक्का अटका हुआ होगा। यीशु को उस मछली की कितनी फिक्र थी, उसके गले में सिक्का अटका पड़ा है। जब उसको उस मछली की फिक्र है तो आप और मेरे, हम जैसे मनुष्यों की फिक्र नहीं होगी। और उसको उसने धन की भी जरूरतें पूरी कर दी, मछली के गले से सिक्का भी निकाल दिया। किसी के द्वारा अपनी महिमा ले सकता है वो? और लिखे एक बाइबल एक वचन मैंने बहुत टाइम से पढ़ाया होगा कि वो जनेले पशुओं के द्वारा भी अपनी महिमा ले लेता है, पता है ऐसा लिखा है बाइबल में। और एक चीज और मैं कहना चाह रही हूँ, खुदा की महिमा है। मेरी बहन को कुछ अमाउंट है ना मुझे देना था, तो मन में ऐसा आया, क्योंकि परमेश्वर ने ये बात हमें सिखाई, एक परमेश्वर के जो सेवक होते हैं ना, वो इतने परमेश्वर की पवित्रता, इतनी गंभीरता, इतनी गहराई में चले वो, कि वो कभी किसी के ऊपर बोझ ना बने। तो परमेश्वर ने सिखाया इस बात को कि अगर किसी ने हमारे साथ कोई कमिटमेंट करी, मैं आज आप लोगों को से बोलता हूं, अगर आपने कोई भी हमारे साथ कोई भी कमिटमेंट कर रखी है, तो कभी भी बोझ में मत रहना। आज हम आपको सब प्रकार की कमिटमेंट से आप आजाद करते आजाद हैं, हो यीशु आप मसीह छूट चुके हो। ये मत सोचना हम कमिटमेंट वो पूरी करी तो करी नहीं है, पता नहीं प्रभु कोई मेरी ब्लेसिंग खुलेगी नहीं खुलेगी, आप ऐसा मत सोचना। कई बार होता है ना, प्रभु मेरी कमिटमेंट और पूरी कर पाऊंगा तभी तो मेरी ब्लेसिंग खुलेगी, नहीं। हाँ ऐसा होता हो सकता था, लेकिन हम लोग आपको खुद आजाद करते हैं आपकी हर एक कमिटमेंट से, जो आपने वाचा हमारे प्रति या सेवक हमारी सेवकाई की जो हमारे विषय में बांधी थी। आप आजाद हो यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि डर लगता है खुदा से, कब उन्हें का लालच मत करना। प्रेरित प्रेरित लोग क्या करते थे है ना, अपना धन लिखो चट्टानों के अपना बाद बेस्ट, जाते थे, अपना बेस्ट अपना लिखते थे। बेस्ट प्रेरितों ने दिया, अपना बेस्ट विश्वासियों ने दिया। अब चेलों के बारे में जब मैं पढ़ता हूँ तो प्रभु के वचन में पढ़ता तो ये समझ आता है कि हमें किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना। अब मेरी बहन मुझे 5,000 रुपये देना चाह रही थी, लेकिन उसके पास उतना नहीं हो पा रहा था, है ना। तो वो सोच रही थी भाई मुझे तेरे को ये भी देना है, तो मेरे को पता चली, शायद हम तो भूल गए थे यार, गुन्नू भूल गए थे ना, मुझे याद मैं तो, मेरे को ध्यान नहीं होगा शायद। तो उसने मेरे से बात करी, मैंने कहा भाई तू रहने दे, हमें नहीं चाहिए, तू चिंता मत कर, तू छोड़ दे, तू छूट गई कमिटमेंट से, तू भूल जा। उसके चेस्ट पे से, उसके दिल पे से ना बोझ हट गया, समझ पा रहे हो आप। यहां पर प्रेम दिखाने की जरूरत है, जिस हिस्से में हो सके वहां पर बोझ हल्का कर दो। आज मेरी बहन के यहाँ, बहन को फोन के लिए एक्सचेंज कराने के लिए गया था, तो वो मुझे 200 रुपये, उसके मन में सवेरे से ही परमेश्वर ने डाल दिया था, समझ लो कि 200 रुपये मेरे को मेरे भाई के लिए पेट्रोल के लिए देना है। खुदा ने पहले से इंतजाम कर दिया था, लेकिन जब वो आई मैंने मना कर दिया था, नहीं बहन मुझे नहीं लेने तेरे से पैसे, तो पैसे अपने, क्योंकि उसने मुझे जब एटीएम दिया था ना, मैंने उसके एटीएम में देखे थे, पैसे कम थे, मतलब 10,000 से कम थे। मैंने कहा ये इसको मतलब 7,000 के आसपास थे, और 4,800 रुपये उसको किसी फोन के विषय में देने थे। मैंने कहा अगर जितना हो सके उतना तो हम कर सके, समझ पा रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नहीं बहन तो 200 रुपये तो अपने पास रख, तो चिंता मत कर, तो उसको ले जा, दो तो मेरे लिए सौ दू है बच्चों की जरूरत पूरी हो कुछ भी जाए, हो सकती है। बच्चों जब बात में फेथफुल नहीं है ना, तो खुदा भी बड़ी वस्तु का दिखाता हाँ है। जब 200 रुपये का वो मोमेंट हुआ, जब वापस उसको बोल दी नहीं बहन तू रख ले, जब मैं वापस आया उसने मेरी ब्लेसिंग बोली, उसने मेरे वो आशीष दी उसने मेरे को दिल से, और उसने मेरे को बोला भाई तू इस टाइम में मेरे लिए समय निकाल कर आया है। उसको पता है कि बहुत ज्यादा बिजी रहता था, कई बार मैं बहनों के लिए समय नहीं निकाल पाता था, कई बार बहनों से बात भी नहीं कर पाता था मैं। थोड़ा करने का ऐसी बात नहीं है, पर बिजी हो जाते हैं बस। तो क्या कहते हैं, फिर जैसे ही घर पे आया, परमेश्वर ने इंतजाम
करने के इंतजाम करके रखा था पहले से, प्रोविजन तैयार है। पहले से ही तैयारी कर रखी थी परमेश्वर ने, है ना। तो जिस एरिया में हो सके, आप जिनके माफ करना चाहो, प्लीज ये प्रभु का गुण है, कोशिश करो प्रभु की अगुवाई में होकर, फोर्स नहीं, जोर जबरदस्ती नहीं। ये नहीं कि माफ कर दे फिर मन में आ रहा है उससे लेने को, नहीं इसे माफ नहीं, जोर जबरदस्ती नहीं। हाँ कहा नहीं भाई, मैं ये नहीं कह रहा ऐसे, मैं तो एक शिक्षा दे रहा हूँ, बाकी जैसी प्रभु आपको अगुवाई करे वैसे आप करना। हाँ एक तरीका है ब्लेसिंग को पाने का, प्रभु के गुणों को प्रकट करने का और सामने वाले के बोझ को हल्का करने का या उतारने का। और प्रभु के गुणों को जब प्रकट किया जाएगा तभी तो बंदा विश्वास में और मजबूत होगा। ये कामों के द्वारा प्रभु के गुणों को प्रकट करना है। तो सब बातों में सिर्फ सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। सोचे कि हम सिंपति गेन करें, बार बार बात बोलो सिंपति गेन करें, कुछ ऐसा बिल्कुल नहीं है। होप्स आपको इस गवाही से आशीष मिली होगी। तो सारी महिमा प्रभु को। और कोई भी नेगेटिव मत देना, ये मत बोलना कि भैया आप हमें शेयर कर नहीं करते हो कुछ भी, कुछ पर्सनल चीजें, कुछ पर्सनल बातें बताया करो। हर चीजें एक अगुआ नहीं बता सकता है। जब आप एक अगुआ बन जाओगे ना, आपको मालूम पड़ेगा आप हर चीजें नहीं बता सकोगे। समझ पा रहे हो इस बात को? मेरे पास आजकल देने की बहन का मैसेज आया, आप ठीक हो? मेरे को नेगेटिव वाइब्स आ रही है, आप ठीक नहीं हो, मुझे ऐसा लग रहा है ठीक नहीं हो। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं ब्लेस्ड हूँ, मेरा अच्छा कह रहा, नहीं मैं ब्लेस्ड हूँ, सब ठीक है, ऐसे कोई तो बात ही नहीं है, प्रभु है ना, चिंता क्यों। समझ पा रहे? जरूरी नहीं कि धन हो तभी ठीक है इंसान। मन की शांति सबसे बड़ी औषधि है। मन के टूटने से हड्डियां भी सिकुड़ जाती हैं, ऐसी कुछ है ना, हड्डियां भी सूख जाती हैं। सूख जाती हैं। तो सोखी एक बात, और इन चीजों के विषय में कोई भी नेगेटिव मत लेना। अब हमारी जिंदगी में ये इस प्रकार की टेस्टिंग थी जिसके द्वारा हमारे अंदर परमेश्वर नम्रता को भी डालना चाह रहा हो, या प्रेम को डालना चाह रहा हो, धीरज धरना चाह रहा हो, सबकी बुलाहट नम्र अलग करना है, चाह रहा हो। सबकी बुलाहट अलग है, सबका मसा अलग है, सबके अनॉइंटिंग अलग है। प्रभु हर एक जन को अपने तरीके से सिखाता है। और ये कोई सोचा इसके बाद ये लग रहा है थोड़ा राशन के लिए, लगता है भैया को थोड़ा मैं सेंड कर देती हूँ, ये कर देती हूँ, ऐसे नहीं सिंपथी गेनिंग के लिए ना प्लीज हमें ऐसा सेंड मत कुछ भी करना, सोचना प्लीज। पहले बता दो। हमें आप लोगों की दुआओं की जरूरत है ना वो आपके दुख का प्रभु। फल का सृजन हमें होगा। परमेश्वर की ओर ताकना है, और आपको हमेशा प्रभु की सुननी है, किसी मनुष्य की इमोशनली होकर कुछ नहीं करना है। ठीक है, मैं आपको फोन कर, नहीं करनी इमोशनली सेवकाई नहीं करनी है, और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में कभी नहीं आना। ये नहीं सोचना कि भैया ऐसे कह रहे हैं, इनके पास नहीं है, चलो कुछ कर देते। नहीं, बिल्कुल मत करना। खुदा के, अगर खुदा में कुछ सिखाना चाह रहा है तो खुदा के और हमारे बीच में मत आना। अगर प्रभु आपको अगुवाई कर रहा है उस विषय में, ये आप जानो और प्रभु जाने। समझ पा रहे हो? और सो के एक बात, जैसे कई बार परमेश्वर हमें किसी के बारे में अगुवाई करता है, कई बार हम आपस में बात करते हैं, जब क्लियर होता है तब हम उस चीज को आगे करने की कोशिश करते हैं। समझ पा रहे हो? नो फोर्स, नो जोर जबरदस्ती, एक आनंद और खुशी के साथ में, धीरज धर के हर चीजों में। हो सकता है किसी पत्नी को परमेश्वर नम्र बनाना चाह रहा हो, धीरज धरना चाह रहा हो, तो उसके पति को कठोर कर दिया, बार बार पर पी पी के लड़ाई दंगे कर रहा है। जब मेरा प्रेगनेंसी टाइम चल रहा था ना, मेरी मदर इन लॉ के ना परमेश्वर ने कहा कि जाइए, रिफाइंड होता है जो ऑयल होता है ये सब दे जाओ, और ना शैंकी के घर में राशन, करा। बहुत राशन का पता खट्टा रगड़ देता परमेश्वर है। ने ना के ना मन में से निकाल दिया, क्यों? क्योंकि परमेश्वर समय हमें सिखाना चाह रहा था। प्रभु ने मन में डाला, और उस समय जरूरत भी बहुत थी, तेल नहीं था, राशन नहीं था, कुछ घर में नहीं था, पर उस समय क्या था, परमेश्वर हमें सिखाना चाह रहा था मेरी थोड़ा मम्मी सा। ने समझ मेरी मम्मी के मन में डाल दिया था राशन को हमारे घर पे लाने के लिए, उन खतरनाक टेस्टिंग के अंदर। मेरी मम्मी के मन से निकलवा दिया, मेरी मम्मी ने खुद अपने मुंह से वाली बात बोली थी। जब मेरी मम्मी को हकीकत पता चली थी, मेरी मम्मी ने बोला, देख मेरे तो मन में भी डाला था, रोते रोते बोले थे आज मम्मी, है ना, मेरे मन में भी प्रभु ने डाला था, लेकिन मैं तो भूल गई भैया, भूली नहीं, खुदा ने भुला दिया, क्योंकि खुदा हमें और करेक्ट करना चाह रहा था, पता है एक बार ताकि जब मैं हम परिस्थितियों में एक होकर निकले ना, जब हम निकले तो जो और ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ने वाले थे उनको हम संभाल सके, अपनी गवाही के द्वारा मजबूत कर सके। जब खुदा हमारी भरपूर, हमें भरपूरी दे सकता है, हमें ब्लेस कर सकता है, हमें चंगा कर सकता है, हमें छुटकारा दे सकता है, हमें आशीषित कर सकता है, हमारे लिए रास्ते खोल सकता है, तो वो तुम्हारे लिए भी कर सकता इवन है। मतलब हमारे अगो के साथ हुआ है, पर इनका बर्थडे था, छोटे से भी लास्ट करेंगे, इनका बर्थडे था, और उस समय फाइनेंशियली थोड़ा सा वैसा चल रहा था, पहले की काफी साल पहले की बता रही हूँ। और उस समय ना सिस्टर, हमारे पास्टर जी रेवरेंड सुमन जी ने कुछ हमने ड्रेस ले रखी थी, मतलब शर्ट या कुछ ऐसा, और वो ना उल्पी के बड़े याद आ रही है, मैं तो शैंकी के यार ड्रेस भूल ही गई, प्रभु ऐसा क्यों हुआ, अच्छा वाला निकला सामने रखा था मैं भूल गई। प्रभु उन्होंने पता है क्या बोला, मैंने भूली नहीं है बेटा, मैंने तेरे को तेरे दिमाग से निकलवा दिया। अब उन्होंने पूछा क्यों परमेश्वर, आपने भूलवा क्यों दिया मुझे, क्योंकि इसे भी कपड़ों की नहीं, इसे पैसों की जरूरत है, तो इसे हाथ बढ़ा, कपड़े तो किसी और को दिए, इसे पैसों की जरूरत है। तो प्रभु चाहता है, प्रभु जानता है कब किसको कैसे क्या किस चीज की जरूरत है। आमेन। समझ रहे हो आप लोग? परमेश्वर
और एक ऐसे टाइम में, किसी टाइम में ना, मैंने अपनी मदर इन लॉ की तरफ नहीं ताका, अपने सिस्टर इन लॉ की हमने अपनी तरफ नहीं ताका, हमें किसी की और नहीं ताकना, हमें अकेले कमरे में बैठ के ना खुदा के सामने आंसू बहाने, खुदा किसी के बंगले में डाल देगा, और कोशिश करना, गलत अंगीकार भी मत गवाही करना, खराब ना हो। गलत अंगीकार भी मत करना, मुंह भी बंद मत करना, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां आती है ना, मैंने इस चीज को नोटिस किया है कि लोगों का मुंह बंद हो जाता था, और दूसरा क्या कहते हैं, कई बार वो दिल खोल कर दुआ भी नहीं करते थे और खुदा के पास जाना बंद हो जाता था, है ना। ठीक है, तो किसी को बुरा लगा तो दिल से सॉरी, सॉरी और कोई भी बिल्कुल भी नेगेटिव मत समझना, ठीक है। ये एक शिक्षा है, ये गवाही है। ये इस वचन सब कनेक्ट कर सकते हैं इस गवाही को, जब हमने अंगीकार किया, हमने कहा प्रभु ने अंगीकार करा है मुझसे कि तू दे तो मेरा परमिशन, ना दे तो मेरा परमिशन, क्योंकि प्रभु इन परिस्थितियों को लेकर आता है, इन शॉर्ट 5 से 7 मिनट में काम करता हाँ है। इसलिए लेकर आता है ताकि मेरा बच्चा शैतान से लड़ना सीख जाए, शैतान की बातों में ना आए, प्रभु की ओर ताकि और हाँ मेरे आंखों से आंसू पोछ जाए, शैतान के ऊपर कर तमाचा पड़े। आमेन आमेन। मैम समझ पा रहे हो, हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजों की परीक्षाएं ये थी। वचन इस गवाही से कनेक्टेड, हाँ, और बहुत सारी एरिया में आप लोगों ने भी परीक्षाओं को देखा होगा, किसी के घर में विरोध की थी, किसी के घर में कोई बैप्टिज्म नहीं लिया, कोई भरोसा नहीं कर रहा, कोई प्रार्थना नहीं करने दे रहा, कोई बाइबल नहीं पढ़ने दे रहा, बाइबल नहीं पढ़ने दे रहा। कितना चुप चुप के तू प्रार्थना कर सकती है। अमन सिस्टर की हमारे पास गवाही है ना। आज देखो, और ब्लैक कितने लंबे समय से देख रहा हूं, अब इनको इतना, जहां जितना पहले छुपना पड़ता था अब नहीं छुपना पड़ता। पहले कंबल में भी, शायद उन्होंने कंबल में भी बोल क्या कहते हैं, प्रेयर चुप के करिए। भी प्रे, कंबल में चुपक चुपक के भी प्रेयर करी इन्होंने, माइक उसमें लीड के अंदर है। कमल, अमन सिस्टर सच बताइए, वो भी आपकी शॉर्ट में गवाही दीजिए एक बार, 4-5 सेकंड की, बताओ। आज भी हस्बैंड घर में नहीं है, वो कहीं और सोने गए, इसीलिए बैठी हूँ। जब वो होते तो तब भी फिर प्रभु को आगे बहुत से ऐसे ही धन्यवाद। होगा। आमीन। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? मैं विश्वास करती हूँ आगे से खुल गया रास्ता। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कितने लंबे टाइम से। अरे अमन सिस्टर, पहले तो आप बिल्कुल अंधेरे में, आपकी शक्ल भी नहीं दिखती थी, वॉशरूम में छुपे रहते थे, कई बार तो छत पे चले जाते थे। रोशनी कितने आ लंबे टाइम चुकी, से हम अमन सिस्टर को देखते हैं, वीडियो चल रहे हैं, कितने सारे लोग देख रहे होंगे, है ना, उजाला आ चुका है। है ना। तो सच में जब इतना हुआ तो खुदा और भी करेगा, रास्ते खोलेगा। उनको पता है, आपकी फैमिली वाले को क्या पता नहीं होगा, आपके हस्बैंड को, आपके बच्चों को, सबको पता है। और पता है हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, हम ना प्रेयर कर रहे हैं, सुबह 4 बजे का टाइम है, दोपहर का तो 4 बजे का, प्रभु बोझ लिए, सामर्थ्य अभिषेक पाके उठे हैं, सब कुछ अच्छा है, प्रभु हमसे खुश है, हम खुदा से खुश है। देखा तो जब ग्रीन लाइन आई थी इनके फोन में, मैं बता रही हूँ कैसे कैसे टेस्ट करते, ग्रीन हाँ, लाइन आई थी फोन में, तो फोन, खुदा की उपस्थिति से इंसान उठा है, प्रभु की आत्मा से, प्रभु हमसे प्यार कर रहे हैं, खुदा हमें ब्लेस कर, सब कुछ कर, पर अचानक से क्या होगी, ग्रीन लाइन कैसे आ गई, उसके बाद ही प्रभु की योजना फोन उनके की जीवन स्क्रीन में, कैसे खराब हो गई, सोचने वाली बात है। इतने प्रभु बोझ ले रहे हैं और उस पर फोन की स्क्रीन खराब होने का तो मतलब नहीं। आराधना करके बस मैंने फोन सोफे पे रखा ही था, इतने में देखो तो मेरी आंखों के सामने कड़क कड़क ये भी नहीं हमारे समय को चुगली निंदा करने फिर से कुछ करें, प्रभु को जो कि कीना था। उपस्थित से, नहीं मैं भी थी, खुदा की उपस्थित से हम उठे थे, बस तेरा आराधना प्रार्थना करके, और ऐसा हुआ, परमेश्वर कैसे भी कभी भी कैसे भी परख सकते, और वो बुराई में से भलाई उत्पन्न करके दिखाता है, मैं है ना, पर वो भलाई बाद में, क्योंकि मैं नया नया मांग से प्रभु ने मुझे बाद में नए सेलफोन से ब्लेस किया, और उसी फोन के द्वारा परमेश्वर नए सेलफोन से इनको भी ब्लेस जैसे किया। मुझे भी नए से ब्लेस किया ना, तो परमेश्वर बहुत महान है। कई बार हम रात को बैठे हैं, कई बार हम दिन में बैठते हैं, कई बार सुबह बैठते हैं, कई बार हम प्रभु बोझ लेते हैं। हाँ, जो लोग लेफ्ट करना चाहते हैं वो लेफ्ट कर उसको भी सकते तो हैं, माफी करें, एक छोटी सी दुआ करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट प्रेयर करते हैं, है ना। माफ और कोई करें, भी चीज को नेगेटिव मत लेना, जो लेफ्ट करना चाहते हैं वो लेफ्ट कर सकते हैं, नहीं तो क्योंकि अपनी बात हमें करते हैं। कोई, हाँ हमने इसलिए खुल के बताना जरूरी समझा, कि कोई ये ना समझे कि लालच कर रहे हैं, अपने आप को ज्यादा मतलब वो दिखा रहे हैं, सिंपैथी गेन कर रहे हैं, भाई अच्छा बता रहे तो मैं अच्छा हम देंगे क्या इनको, हमारे हम इनके घर में राशन दिलवाए हैं कुछ करें, नहीं भाई हम ऐसा नहीं, बिल्कुल हमारे मन में नहीं है, देखो, सब खुदा जब जानती है। खुदा को पता है खुदा किस तरीके से कर रहा है, और खुदा ही इंतजाम करता है, वो किसी को भी कैसे भी इस्तेमाल कर सकता है। जब उसने हमें दूसरों के लिए इस्तेमाल किया है, तो हमारे लिए भी वो किसी ना किसी तरह से इंतजाम आप कर भी रहा है। अगुवे बनोगे, आप भी पास्टर बनोगे, आप भी सेवकाई में बढ़ोगे, मसीह में आप भी हो, मसीह जीवन में टेस्टिंग आपको पता है कैसी थी, है ना, सेवकाई इसलिए किसी प्रकार की हो सकती है, जरूरी मत समझना कि पुलपिट पर सेवा करे तब वही वाली बात होती, नहीं। आप, हो सकता है आप बिजनेस वूमेन है, बिजनेस करने वाली स्त्री है, या घर को संभालने वाली स्त्री है, किसी प्रकार से कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष है, किसी की कोई भी कैसी भी जिम्मेदारियां हैं, किसी भी लेवल पे आप लोग कर रहे हो, उस एरिया में भी परमेश्वर आपको चेक कर सकता था, उस एरिया में भी परमेश्वर आपको छितराने वाला बना सकता है ना। तो अब शो की बात ये एक है कि अब हम छोटी सी प्रेयर करते हैं, हाँ वो भी टाइम होगा, कल संडे है, वेलकम। चलो ठीक है।
हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 देते पिता, राजा की राजा प्रभु की प्रभु हे महान सामर्थी खुदा आपका धन्यवाद देते। पर जो भी हमारे बोलने जाने में अगर कुछ भी बात गलत निकली तो हम क्षमा चाहते हैं पिता, कोई अपने अप एंड डाउन हुए या कुछ भी अच्छा हुआ प्रभु हम क्षमा चाहते हैं पिता, अपने को शुद्ध कर प्रभु, हमें नया बनाने नई चल चलने का अनुग्रह दे परमेश्वर पिता, इन सभी को क्षमा कर, हमें भी क्षमा कर प्रभु, आज का विश्राम दिन सबके ऊपर ब्लेसिड होने पाए पिता, सब गवाहियों में सब बातों में पिता हर एक बात में प्रभु तुझे महिमा मिले प्रभु, क्योंकि सब कुछ देने वाला करने वाला उठाने वाला बिठाने वाला चलाने वाला खिलाने वाला हर एक बातों में तुझे मिले, सब कुछ करने वाले आप है परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों में, सारा जलाल सारा आदर सारी महिमा सारी प्रशंसा के योग्य यहोवा आप है पिता परमेश्वर, आप है थे और रहेंगे, क्योंकि जो है जो था और जो आने वाला है वो केवल केवल वो योग्य है, महिमा के योग्य है प्रशंसा के योग्य है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, ये मेरी बल पिता का सन्नी होगा, आपकी आत्मा की जरा हो चुका है, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आज का पूरा दिन संडे सुपर डुपर ब्लेसिंग होगा, यीशु के नाम से दुआ मांगते आमीन 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 आमीन। और एक चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, कभी भी आपकी जिंदगी में कैसी भी परीक्षाएं थी परेशानियां थी, खुदावन आपको ऐसे मोमेंट्स याद दिलाए जिसके द्वारा आपका विश्वास बढ़े और कभी आप खुदा से दूर ना होने पाओ, कमजोर ना पड़ने पाओ, गिरने ना पाओ। ध्यान रखना, आप हमेशा इस बात को याद रखो कि परमेश्वर आपके लिए मार्ग निकालेगा, परमेश्वर आपके लिए इंतजाम करेगा, परमेश्वर आपके लिए रास्तों को खोलेगा, परमेश्वर आपके लिए फेवर देगा। हमेशा आप अपनी जिंदगी में इस बात को याद रखना, चाहे कितनी भी परीक्षाएं थी कितनी भी परिस्थितियां थी, जो खुदा हमें संभाल सकता है, जो खुदा अपने नबियों को संभाल सकता है, वो आपको और आपको भी संभाल सकता है, हमें भी संभाल सकता है, वो सबको संभाल सकता है। उम्मीद सिर्फ खुदा से लगानी है, मनुष्य से नहीं। ठीक है, तो कह रहे मनुष्य से मांगी मत, प्रभु कह रहे सिर्फ मुझसे मांग, जो प्रभु हमें देता है ना उसको वापस नहीं देना पड़ता, पर जब हमें मनुष्य देते हैं तो उसको रिटर्न करना पड़ता है ना, तो खुदा से मांगे वो चित्रा कर देगा हमें, गलती तो हमें क्षमा करना, तो सबको सॉरी, आप लगा हो या कुछ भी लगा हो तो दिल से सॉरी बोलते हैं। अब तीन बोलते ही हम इसको बिल्कुल लाल बटन पे क्लिक करेंगे, एक ऐसी मीटिंग बंद करते हैं, मीटिंग बंद करते हैं, कल फिर से मिलते हैं बड़ी कमाई के साथ, जय मसीह की सबको, प्रभु सभी को बहुत आशीष दे, किसी को कुछ कहना है रिकॉर्डिंग डाल देना ग्रुप के अंदर, अपराजिता बहन आप ग्रुप को चालू कर देना, यार फिर भाई आप चालू कर देना, मतलब किसी की कोई गवाही है तो ग्रुप में डाल देना, ठीक है, जय मसीह की सभी को, प्रभु सभी को आशीष दे, गॉड ब्लेस यू ऑल, और मीटिंग को यहीं से ऑफ कर रहे हैं, जय मसीह की भैया, जय मसीह की सिस्टर, गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की भैया, जय मसीह की सिस्टर, जय मसीह की सबसे, जय मसीह की, प्लीज क्लोज, जय मसीह की, जय मसीह की, मत सब जगह है, वाओ इंटरेस्टिंग थी गवाही, सब जगह आज तो हाँ, ऐसा रिमोट